अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हाँ भाई, हो गया ब्रश भाई, बहुत ज़रूरी है, हवा में उड़ते झूलते बाल अच्छे नहीं लगते, अब मैं सेट हूँ। हाँ भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसा गुज़रा आपका वीकेंड? अच्छा गुज़रा, वैसे आज मौसम अच्छा है और अबर आलूद सा है तो प्यारा लग रहा है। तारीफ़ करना अच्छा लगता है ना, मौसम की तारीफ़ कभी, लेकिन हम बड़े कंजूस हो गए हैं इस चीज़ में, क्योंकि अरसा दराज हो गया है तारीफ़, मतलब पब्लिक फैंस तारीफ़ कर देते हैं, अरसा दराज हो गया कि मेरे मियाँ ने मेरी तारीफ़ नहीं की। कभी मियाँ की तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, कभी बच्चों की तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, कभी अम्मी अब्बू की तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, कभी बहन भाइयों की तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, और स्पेशली कभी जो आप जहाँ काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ प्रोफेशनली आपकी तारीफ़ सुनना आपको अच्छा लगता है। सो ये चाहे हम ऊपरी अंदाज में कुछ भी कह दें ना, नहीं नहीं नहीं, मतलब मुझे तो तारीफ़ें एम्बेरस करती हैं, लेकिन दिल में लड्डू फूटते हैं, चाहे कोई कितनी भी तारीफ़ करे, अगर आपका वज़न घट गया है उसकी तारीफ़ करे, अगर आप अच्छा खाना पकाती हैं कोई उसकी तारीफ़ कर दे, अगर आप अच्छा बोलती हैं, अच्छा गुनगुनाती हैं, आपके बाल अच्छे हैं, आपकी फ़िज़िकल अपेयरेंस में कोई भी ऐसी चीज़ है, तो छोटी छोटी तारीफ़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर कोई ये तारीफ़ करे, मतलब शादी को 50 साल हो जाएं, और मैं आज किसी का स्टेटस पढ़ रही थी, किसी ने अपनी बीवी की तारीफ़ की हुई थी, उनकी शादी को 40 साल हो गए थे, और उन्होंने कहा कि ये जो 40 साल हैं इसके हर एक दिन में, बड़ा हैरत हो रही थी मुझे ये सुन के कि एक मियाँ ने लिखा ये बीवी के लिए, कि जो 40 साल हैं इसके हर एक दिन में मुझे तुमसे पहले से ज़्यादा मोहब्बत हुई। हाय अल्लाह, मैंने सुना ये कौन सा मियाँ है, कौन से आसमान और कौन से चाँद से आया है। तो उसे लिखा कि मेरी बीवी, तुम हमेशा मेरे साथ एक पत्थर, एक सॉलिड दीवार की तरह खड़ी रही हो, चाहे बुरा वक्त आया हो, चाहे अच्छा वक्त आया हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपने साथ पाया है। तो ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये लगता है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, या फिर आप किसी रिटायरमेंट पर, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से या जो भी आपका इदारा है उससे आप जा रहे होते हो, और वहाँ आपको कोई अवार्ड मिलता है और तकरीर में आपके लिए कुछ कहा जाता है, सो वो लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं किया। कभी कभार लोगों को अप्रिशिएट करने से उनकी जो उनका जो काम है उसमें बेहतरी आती है, मगर बहुत सारे लोग समझते हैं अगर इसकी तारीफ़ कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर हस्बैंड समझते हैं बीवी की तारीफ़ कर दी तो चढ़ जाएगी, तो उसको थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा तारीफ़ नहीं किया करो, दिमाग ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे बॉसेस ये समझते हैं कि अगर आप एम्प्लॉयज़ की तारीफ़ कर देंगे, ओ हो ये तो तनख्वाह बढ़ाने के लिए आगे आगे बढ़ जाएंगे, हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारा दिमाग ख़राब कर देंगे कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, चढ़ जाएंगे, छोड़ो। सो आई डोंट नो, तारीफ़ सुनने से कोई अच्छा हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी में, साइंटिफिक रीज़न भी होगा, मगर ज़रूरी नहीं है कि तारीफ़ सच्ची हो। जब सच्ची तारीफ़ होती है ना, आपको ख़ुद भी पता होता है कि ये आपकी तारीफ़ हो रही है और आप वाकई इसमें अबूर रखती हैं, क्योंकि इंसान को ख़ुद अपने बारे में जानने, मतलब लाइक वो अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन उसे फौरन नहीं पता चलता कि मेरे अंदर ये खसूसियात है, उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेंथ्स का अंदाज़ा होता है, और फिर उसको पता होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये काम करूँ और इसमें मेरी तारीफ़ ना हो। तो आइए, हमारे यहाँ कुछ हार्ड वर्किंग ख़वातीन जिनको घर और बाहर दोनों लाइफ्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करना आता है, उन्होंने ज़िंदगी में किस चीज़ पर तारीफ़ बटोरी है, या उनको ये कंफर्म है कि मैं ये काम करूँगी ना तो बस इसमें तारीफ़ मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके मियाँ उनसे मशवरा करते हैं, यार मैं ये प्लॉट लूँ या नहीं, सोचें जब कंस्ट्रक्शन या ये प्लॉट, ये इस चीज़ के लिए कभी कभार ख़वातीन बड़ी होशियार होती हैं, और उनसे फाइनेंशियल मशवरे लेने के लिए ना सिर्फ उनके हस्बैंड्स बल्कि उनके बहन भाई और दूसरे रिश्तेदार भी आते हैं कि आपको ना इस चीज़ का बहुत अबूर हासिल है। बहुत सारे बिजनेसेस में वही बिजनेस, मैंने मतलब लाइक आप रिसर्च कर रहे होते हैं, किसी पढ़ रहे होते हैं, तो एक मैंने एक इंडिया के बिजनेसमैन की कहानी सुनी थी, उसने अपने आप को ख़ुदकुशी करके मार लिया था, लाइक सुसाइड कर ली थी, क्योंकि वो अपने जो भी उसके ऊपर कर्जे थे और वो दबा हुआ था उनके नीचे, तो वो
उसकी बीवी ने एक यंग एज में बड़े अच्छे से उस बिज़नेस को संभाला और वो सारे अपने हस्बैंड के कर्जे उतारे और वो हाउसवाइफ घर से बाहर निकली और किस तरह उसने बाकी सारे चीज़ों को लेकर संभालने के बाद उसके बिज़नेस को रन किया सारे कर्जे उतारने के बाद। तो कभी कभार ख़वातीन में वो स्ट्रेंथ्स छुपी होती हैं जो उनको खुद नहीं पता होता। आहिस्ता आहिस्ता पहले ये चीज़ दूसरों को नज़र आना शुरू होती है कि ये स्पार्क उस औरत या उस मर्द में है, फिर वो खुद अपने आप को जानने की कोशिश करती हैं, ओह ये तो मेरी स्ट्रेंथ है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेंथ जो आपके पास है वो उनके पास भी हो, वो उनके पास भी हो। अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को समझने के बाद आप उसे यूटिलाइज करें प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में, तो देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद आइए देखते हैं कि हमारी जो ये हार्ड वर्किंग लेडीज़ अभी आने वाली हैं, इन्होंने किस किस चीज़ पे तारीफ वसूल की है। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो ये तीनों ख़वातीन जो मेरे पास हैं, इनको तारीफ़ सुनने की आदत भी हो चुकी होगी क्योंकि मतलब जब आप हर फन मौला हो जाते हैं तो आपको होता है कि मेरी तारीफ़ कोई क्यों नहीं कर रहा। सो जब तारीफ़ नहीं होती तो फिर इनका दिन अच्छा नहीं गुजरता। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरी एक तरफ बैठी है निदा मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हर फन मौला है? यस यस, मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, फिर दूसरी तरफ बैठी हुई है जी शर्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपको भी शौक है तारीफ सुनने का? नहीं, तारीफ सुनने का शौक तो नहीं, बहुत आजिज नहीं है। नहीं, नॉट रियली। थोड़ा सा इनफैक्ट मैं ऑकवर्ड हो जाती हूँ जब तारीफ। अरे यार अल्टोटो यार, दिल में लड्डू फूलते हैं और क्या। और रबाब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आपको तो आदत होगी यार, बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़ी पतली लग रही हो, बट लाइक सारी जिंदगी आपने यही सुना होगा। यही सुना है। क्या करती हो यार, बच्चे की माँ लगती नहीं होगी। ये चीजें तुमने हमेशा से सुनी होंगी, शादीशुदा लगती नहीं हो। अभी मेरे बेटे के साथ एक जगह में गई थी तो वो आंटी, पहली दफा गई थी किसी को देखने के लिए, तो वो आंटी कहने लगी ये तुम्हारा भाई है। अब मेरा बेटा ना यूँ करिए, आंटी मुझे आदत हो चुकी है सुनने के लिए। हाँ। मुझे बिल्कुल शॉकिंग नहीं लगा, सब मुझे ये कहते हैं कि मैं इनका भाई हूँ। हाँ। तो मैं उसकी बड़ी बहन जैसी लगती हूँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, मेरे लिए और मुझे अच्छा लगता है। तारीफों का सिलसिला शुरू करते हैं ना बचपन से, ना जब आप छोटे थे तो वो होता है ना बहन भाई और ये सारे होते हैं, तो किस बात में आपकी तारीफ होती थी बचपन में? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छा डांस करती थी, हर शादी में मुझे आगे खड़ा कर देते थे। मैं भी मैं कॉन्फिडेंट थी बड़ी। हाँ, हाँ, तो इस पे मेरी तारीफ होती थी कि हाँ चलो भैया ये तो ये कोई लाइवली लाइवली बंदी, हमेशा खड़े हो जाना। हाँ, हर मेहंदी अच्छा, पे डांस करने। मैं अपने पूरे मोहल्ले की ना फेवरेट थी। हाँ, क्योंकि मुझे नई नई साइकिल चलानी आ गई थी, बाई साइकिल चलानी अच्छा। आती थी, तो मैं जान जान के ना हर एक सबके सौदे लाती थी। हाँ, साइकिल मैंने कहा वो नए नए ड्राइविंग नहीं सीखते, लाओ लाओ मैं करा दूँगी, मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ तो मैं ला दूंगी आपको सौदा। और वो आंटी मुझे पैसे देती थी और मैं, क्योंकि मुझे साइकिल चलाने का शौक था, बहाना चाहिए होता था ना। हाँ, क्योंकि अब साइकिल चलाए और कोई मकसद भी हो साइकिल चलाने का, और बड़ा मजा आता था साइकिल चला के। हाँ, ये बड़ा एंजॉय करती। हाँ, मैं बड़ा मिस करती हूँ, आजकल के बच्चों को इन चीज़ों का शौक नहीं है। मैं तो अपने बच्चे को रिश्वत दे के भेजती हूँ, जो बेटा स्टोर से ये लोग कुछ खरीद के ले आओ साइकिल पे, कह रहा ठीक है लेकिन मैं पीछे आईपैड लगा के जाऊंगा और मैं गाने सुनूंगा, क्योंकि मुझे गाने सुन के साइकिल चलाने में मजा आता है। मैं अच्छा भाई चला ये कोविड के जब दिन थे उसमें बड़ा। हाँ, वापस से साइकिलिंग और ये सब बड़ी हुई है, लोगों ने वापस से साइकिल खरीद रहे हैं और सब एफर्ट कर रहे हैं कि जी हमने साइकिलिंग करनी है। मैंने तो बहुत सही कह रही हैं कि वो चीज चली गई है, अब नहीं रही जो हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा है। तो आप बताएं कि बचपन में आप किस चीज में तारीफ की? बिल्कुल ऑपोजिट थी, मैं बहुत क्वाइट थी और मैं बहुत वेल बिहेव थी। तारीफ होती थी कि मैं इतनी तमीज़दार थी, जो मुझे एक चीज एक दफा अम्मी बात बता देती थी वो बस फिर मेरी रूटीन बन जाती थी। तो मुझे याद है कभी होता है ना आप अक्सर कजन्स के घर जाते हैं, पप्पो के घर जा रहे हैं या किसी के घर, तो मुझे याद है सुबह मेरी जो अम्मी ने रूटीन सेट की हुई थी कि सुबह उठते ही पहले मैंने नहाना है, अपने कपड़े स्ट्री करने हैं, खुद मैं कपड़े स्ट्री करती थी सिंस दी एज ऑफ 7 or 8 ईयर्स ओल्ड, कपड़े स्ट्री करने हैं, फिर नहाना है, नहाने के बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठना है। तो मैं जब भी किसी के घर जाती थी आई रिमेम्बर उस घर के बच्चों की शामत आई हुई होती थी कि ये देखो ऐसा होता है। आई स्टिल रिमेम्बर मैं अपनी पप्पो के घर गई हुई थी और मैं नहा कर निकली तो मेरी जितने भी
कजन्स के बच्चे थे, क्योंकि मेरे कजन्स और मुझ में बहुत एज गैप है, तो मेरी उनके बच्चों से दोस्ती थी। सबको लाइन में बिठाया हुआ था मेरी फुप्पो ने, और सबको लेक्चर मिल रहा था कि देखो ऐसे होता है। सुबह उठ के पहले उस बच्ची ने अपने कपड़े स्ट्रेट किए, फिर वो नहाई और वो ब्रेकफास्ट टेबल पे साफ सुथरी आएगी। तो ये मैं इस तरह की, मैं थोड़ी ओबीडियंट किस्म की बच्ची उस पर तारीफ होती थी। अरे वाह, जबरदस्त। चले भाई कार्ड्स की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने इनकी याद दहानी के लिए ना, कि भाई अपनी तारीफ बंदा कभी कभार भूल भी जाता है। चले जी शुरू करते हैं। हाँ भाई, पहला किसकी निशानी है ये? अच्छा आपकी, ये क्या है भाई, किस बात पे आपकी तारीफ? ये जो मैंने जोड़ा पहना है ना, तो मुझे किसी ने कमेंट्स किया, अक्सर लोग करते हैं हाँ, कि आप जो भी कपड़ा पहनती है वो बड़ा अच्छा पहनती है, तमीज वाला होता है, खासकर दुपट्टे को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमारा कल्चर भी है दुपट्टा। तो ये दो तस्वीरें क्यों है, मुझे समझ नहीं आई। इन्होंने पता नहीं दो क्यों लगा दी हैं, शायद वो भी आपने वगैरह। अच्छा अच्छा, तो ये जोड़े पे लोगों ने बड़े कमेंट्स किए थे कि किसका जोड़ा है और आपने कहाँ से लिया है। हालांकि ये हमारे वो है अली शहजाद, उनका जोड़ा है, अच्छा जोड़ा था। अच्छा, तो मुझे कपड़ों जो कुछ भी पहनती हूँ तो उस पर लोग बड़ा अप्रिशिएट। अच्छा अच्छा अच्छा, और शुरू से ही आपके मतलब होता है शुरू से, शुरू से होती है। अच्छा, मेरी हमेशा से ये कोशिश थी भले आप सस्ता कपड़ा लें, बिल्कुल बहुत ज्यादा महंगा मत लें, लेकिन अगर उसको आपने तरीके से सिलवाया हुआ हो और पहना हुआ हो, कैरी करना आपको आता हो, तो अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा लगता है, मतलब लाइक वो पहनने ओढ़ने की तारीफ होता है ना कभी कभार। आप किसी भी महफिल में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपकी कोई तारीफ ना करे, जब आपको सब लोग सलीका होता है, सलीका होता है आपके अंदर। जरूरी नहीं आपको एक्सपेंसिव चीजें या आपको लाखों का जोड़ा, बहुत सारे लोग एक्सपेंसिव चीजें पहनते हैं और उनको पता नहीं चलता, आता ही नहीं पहनने, नहीं आता, कैरी नहीं करना, स्टैंड आउट ही नहीं करते वो। अब जैसे बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि आपने, आपका दिल नहीं कर रहा होता है कि जी आपने इतने हैवी कपड़े पहनने हैं, तो सिंपल सा एक ब्लैक सूट पहने और अच्छी सी ज्वेलरी पहने, स्टिच आपका अच्छा हुआ, इतना खूबसूरत लगता है और लोग उसी की तारीफ करते हैं। क्या बात, ये हमारा कमाल है, ये आपका कमाल। और ये वाला गुड़ जो है वो शादी से पहले से था? शादी से पहले से, पहले से अच्छे से तैयार होना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी खवातीन और बहुत सारी लड़कियां जो सरजार मुंह पर रही होती है, अम्माएं उसी पर डांट रही होती है, बाल तो कंघी कर ले, क्या होगा, रिश्ता नहीं आएगा, मतलब लाइक अम्माएं पीछे पड़ी हुई होती है। मेरे तो बड़े रिश्ते आते थे, ये भी एक तारीफ है, ये भी एक तारीफ। अम्मा अब्बा को कभी परेशानी नहीं होती, कजिन्स को देखने के लिए आए तो मैं चली गई, मैं उनकी कहानियां शुरू की, तो उन्होंने कहा जी हमने इसी से रिश्ता कर, छुपाते ना कभी कभार होता है, कुछ लड़कियों को छुपाया जाता है घर में, खबरदार जो तुम आई। मेरी मम्मी बताती थी कि उनको तो फुप्पी के घर भेज देते थे जब भी किसी और बहन का रिश्ता आता था, वो भी वही बातूनी थी, पटपट पटपट शुरू हो जाती थी, तो वो आजकल तो बातूनी लड़कियों को पसंद नहीं करते। आजकल क्या, मुझे लगता है कि शुरू से ही हमारा जो एक हमने दिमाग में अपने बिठाया हुआ है ना, कि जो ज़्यादा बात करने वाली या एक्सप्रेस करने वाली वो ज़्यादा अच्छी लड़की होती हैं, जो खामोश रहती हैं वो, हालांकि ये गलत है। नहीं नहीं, देखें कुछ लोग तो यही देख के पसंद करते हैं कि नहीं बहुत बोलने वाली नहीं है, कुछ लोग को तो खामोश से वो जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि नहीं नहीं तो बात नहीं होनी चाहिए, अभी से इतनी ज़बान है आगे जाके क्या होगा, यही होता है यूजुअली, यही मसला मेरा तो वो था ना, मैं तो था ही माई मुंडा, पूरे मोहल्ले का काम करना, किसी का सौदा ला रही हूँ किसी, और मेरी आज तक उन आंटियों से बड़ी दोस्ती है। अच्छा, अक्सर किसी ने अगर घर में कर्टन लगवाने तो वो मेरे मशवरे से लगते थे, अल्लाह माफ करे, इतनी छोटी सी थी कि तुम चलो साथ तो हमने कर्टन बनवाने घर में, तो हमें बताओ कौन से कलर के। अच्छा, मुझे शौक भी था ना, तो बंदा ऐसे ही सीखता है ना, आहिस्ता आहिस्ता, आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं, फिर आप दूसरे घर से, तो मुझे बहुत शौक होता था, मैं आंटियों को मशवरा देती थी, मेरी माँ मुझे बड़ा सुनाती थी कि नहीं हर वाले ना वड़े आकर लोग, मुझे ना, मुझे हंसी आ रही आपकी बात सुन के, मुझे ना जोड़ियां बनवाने का बड़ा शौक था, मैं सीरियसली अपार्टमेंट में, अच्छा हाँ मामा देखिए, मतलब रिश्ते करवाने का, हाँ मैंने अपने मामू की शादी कराई थी, इतनी छोटी सी थी मैं, मामा वो जो है हमारी नेबर्स में थी, तो मेरी मामी है वो नेबर्स में थी, मामा वो जो है ना बड़ी अच्छी है, मतलब बड़ी काइंड है, वो उनको देख ले मामू के लिए, मेरी अम्मी ने कभी देखा हुआ भी नहीं था, मैंने इतनी छोटी सी एज में रिश्ते जुड़वा दिए, फिर वो कोई और किसी के है उनको देख ले, मतलब लाइक अपार्टमेंट्स में हम रहते थे तो उनकी जोड़ी उनके साथ बनवा दी, उनकी जोड़ी, तो तीन चार तो रिश्ते वहीं कराए हैं। nice. ये उबूर मुझे तब से हासिल था,
हाँ, ये भी एक आपकी ब्लेस होती है। अम्मी के साथ मेरी अम्मी करवाती थी ना ऐसे ही दोस्तों की आपस में जो होती थी, जैसे बाहर है कोई तो मेरी बेटी के लिए रिश्ता देख दो, वो तो मैं अम्मी के साथ जाती जाती थी, आती जाती थी, फिर जरा अम्मी की बातें सुन रही, तो मैं अम्मी से कहती थी मम्मा ये लड़की अच्छी है, उनका जोड़ अच्छा बनेगा, तो शायद वो चीज़ डेवलप हो गई यार, शायद 8, 9, 10 मुझे याद है वो चीज़ें। कि देखो ना जब लड़की अंदर से ही होता है, लड़की बचपन से ही माँ होती है, हाँ ये तो है, पैदाइशी माँ पैदा होती है, उसको ना सब चीजें समेटने का और उसको करने का जोड़ने का सलीका अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की। लाइए भाई नेक्स्ट। अच्छा भाई शमीन तुम्हारा जोड़ा है, दो बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर्स हैं, और मैंने एक्चुअली ये वाली एम्ब्रॉयडरी वाली दी थी, ये नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी याद दिहाने के लिए कि शर्मीन का है। अच्छा, पता नहीं याद दिहानी क्यों है, सामने शर्मीन नजर ही आ रही है। क्या याद दिहानी है, ठीक है आगे जाके ना तुम लोगों की चीजें हैं अलग अलग तो वो याद दिहानी, कैसी आवाजें आ रही है, आई गेट इट, तो ये लाइट की आवाज आ रही है, पता नहीं किस चीज की, समंदर की आवाज आ रही है, हाँ मुझे आ रही है, हाँ ऐसा लग रहा बारिश हो रही है, हाँ तो ये जो पिक्चर है इसमें जो मैंने जैकेट पहनी हुई है, ये मेरे घर में अम्मी की खाला की एक बहुत लंबी जैसे होता है ना दुपट्टा, उसमें फुल काम हुआ हुआ था और इसमें कहीं कहीं होल्स भी हो गए थे, लेकिन मुझे तब प्यारा लगता था ये कि घर में रखा हुआ था और अम्मी ने यूज़ नहीं करना था क्योंकि चादरें कोई पहनता नहीं है इतनी फुल एम्ब्रॉयडरी वाली है, कैसे कैरी करे, तो मेरे पास बहुत अरसे तक मैं देखती थी कि अम्मी क्या रखी हुई है रखी हुई है रखी हुई है। मैंने अम्मी से एक दिन कहा अम्मी मुझे देते हैं, मैंने कहा क्या करोगी इसमें इतने होल्स हुए हैं, ये हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है, मैंने कहा मैं इसे ठीक कर लूँगी, मैं इसे लेके गई कपड़े वाले के यहाँ लेके गई, पहले मैंने इसे पूरा रफू करवाया कपड़े को, उसके बाद मैं इसको एम्ब्रॉयडरी वाले के यहाँ लेके गई और जहाँ जहाँ वो होल्स हुए हुए थे उस पर मैंने पैच वर्क करा के उसे पूरा जब इंटैक्ट हो गया उसके बाद मैंने इसे कटवा के जैकेट बनाई। अच्छा, एंड एवरी टाइम आई वेयर दिस जैकेट, क्योंकि इसमें फुल कश्मीरी कढ़ाई हुई हुई है, मैं जब ये जैकेट कहीं भी पहन के जाती हूँ आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अभी तुमने मेरे साथ शूट पे भी पहनी हुई थी। एग्जैक्टली, ये वही जैकेट है और ये कितनी पुरानी है, क्योंकि मैं मास्टर हूँ इन यूजिंग ओल्ड मटेरियल्स, ओल्ड फैब्रिक्स, मैं कभी कोई चीज फेंकती नहीं हूँ, मैं भी संभाल के रखती हूँ, क्लासी चीजें होती है इनको तो फेंकना नहीं चाहिए आपको, आप इनको हमेशा रिपेयर करा सकते हैं, डैमेज हो जाती है बट रिपेयर करा के थोड़ा सा पैच वर्क करा के, अब आप उस दिन बताएंगे लग रहा था कि 15-20 साल पुरानी कोई चीज होगी, उसको मैंने बिल्कुल उसको न्यू जैकेट में स्टाइल करके, और मैं अक्सर पहनती हूँ क्योंकि फुल एम्ब्रॉयडरी है तो वो लगती है कि जैसे अभी आप कराने जाएंगे तो आपके वो 30-35 हज़ार से कम नहीं है, एम्ब्रॉयडरी नहीं बनेगी, फुल स्लीव्स एंड फुल फ्रंट। अच्छा, बैक के लिए मैंने ये फिर किया कि इसका मैंने कपड़ा मैचिंग डाई करा के और एक छोटा सा मोटिव मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैचिंग बैक पे बनवा लिया, तो वो पूरा एक बहुत अच्छा आउटफिट इसका बन गया। तो आई तुम रीवैम्प उसको जो रीडिजाइन करके रीवैम्प करके एज यू सेड मैं अपने बहुत सी चीजें इस तरह से यूटिलाइज करती हूं, स्ट्रेंथ एंड आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माय सिस्टर, क्योंकि मेरी बहन भी बिल्कुल ऐसी है, वो छोटे छोटे स्क्रैप्स को ना लिटरली शी पुट्स देम टुगेदर एंड मेक्स अ न्यू ड्रेस आउट ऑफ इट एंड इट ऑलवेज एंड्स अप लुकिंग रियली नाइस। तो मैं हमेशा अपनी पुरानी चीज़ों को, अभी एक और मैंने पिक्चर भेजी है जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से रीडिज़ाइन किया था, तो ये मैं इस तरह से करती हूँ, तो उस पर यू नो लोग पूछते हैं बकायदा, जिन बल्कि जिन खाला की थी उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने अभी करवाई है एम्ब्रॉयडरी, वो खुद नहीं पहचानी कि ये वही चादर है जो उन्होंने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दी थी। तो दिस इज़ व्हाट आई डू एंड आई दिस इज़ माय पर्सनल एक्चुअली माय पर्सनली माय फेवरेट पीस, वन ऑफ द फेवरेट पीसेस दैट आई हैव। यार ये वैसे बड़ी मतलब वाकई क्या क्या स्ट्रेंथ्स होती हैं लोगों के पास, मतलब इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, आप कब तक नए कपड़े बनाएंगे, आप आई थिंक इट्स बेटर कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को, ये भी अच्छी बात है कि आप यू गिव देम अवे ताकि दूसरे लोग पहन लें, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें आपका नहीं दिल चाहता देने का। एग्जैक्टली, मेरे पास ऐसे कुछ पीसेज हैं मेरी अम्मा के जो मेरा नहीं दिल चाहता कि मैं उन्हें दूँ, और मैं उनको इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ, फिर किसी और तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये तो स्ट्रेंथ है, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी अम्मी मेरी नानी का जिक्र करती थी कि यार हमारा कुनबा इतना बड़ा था और पता नहीं अम्मी किस सलीके से घर चलाती थी कि पता ही नहीं चलता था कि मुश्किल में घर चल रहा है, अच्छे से खाते थे। वो ख़वातीन जो अपना जो घर है वो जिस तरह चला रही होती है, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं सबके पास, अलग अलग, बिल्कुल बहुत सारी अनपढ़ भी होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन उनको बड़ा अच्छे से
चलाना आता है कि कितना खर्चा किधर करना है। और बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं उजाड़। मैं एक वो न्यूज़ पढ़ी थी, एक मियाँ ने अपनी बीवी का कत्ल करवा दिया अपने दोस्त को 2.5 लाख रुपए देकर, क्योंकि वो बहुत खर्चे करती थी। मैंने कहा भाई यार उसको छोड़ देते, उसने जान के ले ली। इंडिया में हमारे हमसाए मुल्क में। लेकिन पता है ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। कहते हैं ना बेटियां अपनी अपनी माँ से सीखती हैं। मेरे अब्बू मतलब बिजनेस में थे लेकिन एक बजट में लाइफ गुजारी है। वी वर 5 सिस्टर्स। अम्मी हैड टू बी वेरी केयरफुल ऑल्सो, बेटियों के लिए भी सेव करना है। लेकिन अम्मी ने हमेशा अपने घर बहुत सलीके से रखा और कपड़ा बहुत अच्छा पहना। अम्मी कहती थी खा मैं कुछ भी लूँ, आई डोंट माइंड उनकी शॉपिंग। हाँ, लेकिन उनको वो अपने आप को प्रेजेंट हमेशा, उन्होंने अपने आप को भी और अपनी बेटियों को भी ऐसे किया है कि कोई सोच नहीं सकता था कि अम्मी जितने पैसों में गुजारा करती हैं इतने पैसों में बाकी इस स्टैंडर्ड का गुजारा हो सकता है। तो कुछ औरतों में ये कैपेबिलिटी होती है, कुछ नहीं कर पाती हैं लेकिन कुछ बहुत अच्छे से कर लेती हैं। कि अब्बू यही सोचते थे और अब्बू कहते थे कि मैं तुम्हें इतने पैसे दिए, आपने इसमें ये नए जोड़े भी बनवा लिए, नए कपड़े भी बनवा लिए। तो वो अम्मी में पहले वाले ना उसमें रिस्क में ना बरकत भी थी बहुत ज्यादा, यू नो कि आपके इतने से में इतना कुछ हो जाता था। अब तो इतने में भी कुछ नहीं, इतना भी हो तो वो इतना सा लगता है। बिल्कुल। हाँ भाई, नेक्स्ट किसकी तारीफ है? हाँ रबाब, ये कौन सी घड़ी है और ये क्या है कहानी? अच्छा, ये मैंने अभी पहनी हुई है, ये मैंने पहनी, ये मेरी मेरी कमाई की घड़ी जो है ना, मेरी फेवरेट घड़ी है ये। ये मुझे बस था कि मैंने एक अपनी घड़ियों का, तो मुझे हर चीज़ का ही हम लोगों को तो शौक होता है कि सब चीज़ें ही हों, बट एक था कि मेरे पास एक टैग होनी चाहिए और मैं ये लूँगी। और मैंने एक एम बनाया हुआ था कि मुझे कौन सी वाली चाहिए। मेरा मुझे हस्बैंड कहता था कि अच्छा तुम ये वाली जो ले लो, जो छोटा डायल हो इसका और वो ऊपर भी डायमंड्स नहीं हो, अंदर भी नहीं हो, प्लेन ले लो, टैग तो है वो नहीं। मैंने वेट किया उसका, मैंने फिर पैसे जमा किए और फिर मैंने बोला नहीं, मैंने जो सोचा हुआ है मैं वही लूँगी। हाँ, यानी कि तुम जमा करके, तुम जमा करने में अच्छी हो इस मामले में। मैं जमा करने, अच्छा मैं भी जब मैं फजूल खर्च हूँ, बट जो मैंने अगर एम बना लिया कि वो चीज़ मैंने लेनी है तो मैं उसके लिए जमा करके वो चीज़ ले लेती। ये वाली स्ट्रेंथ मेरे अंदर भी है। मैं जमा करके मैं अपने पैसे ज़ाया नहीं करती। मैंने अपनी अम्मी से सीखा है किधर इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ये मैंने अम्मी से सीखा है कि बेटा अगर 10 रुपये कमा रही हो ना तो 8 रुपये सेव करो, 2 रुपये खर्च करो। वो लाइक उस तरह फजूल खर्च, हम तो खैर हम सारी जो है खवातीन फजूल खर्च होती हैं शॉपिंग का, हमें एक वो होता है जो कि मैं हूँ बहुत ज़्यादा, बट ये है कि हाँ बस एम ज़रूर होता है मेरा कि अगर मेरा दिल आ गया किसी चीज़ पर कि अगर कोई चीज़ मैंने लेनी है तो बस फिर मैं लग जाती हूँ कि इसके लिए मुझे। अच्छा मैं तो लाइक शुरू में तो बहुत, जब मैंने नया नया कमाना शुरू किया था तो मैं महंगे कपड़े लेती नहीं थी। मैं पठान भाई के फुटपाथ के कपड़े उठा के और उसको स्टिच करवा के पहनती थी। हाँ, इस तरह करके। नहीं, मैंने ये बड़ी चीज़ें की है। मैंने एक विश्वास लिया था, मुझे अभी तक याद है, मैं छोटी थी, मतलब रिमेम्बर इतनी भी छोटी नहीं होंगी, 12-13 साल की होंगी, तो मुझे याद है कुछ 500 रुपये का या 800 रुपये का विश्वास मिला था। और वो लोग जब मैंने पहना था तो हर बंदा समझा था कि पता नहीं मैंने कौन सा विश्वास पहनी है, जबकि मैंने पठान के उस पे से वो विश्वास लिया था। और मैंने ईद पे पहना था वो, मुझे आज भी याद है, वो वाइट और पिंक कलर का था और सब पूछते कहाँ से लिया है ये पिछवा, कहाँ से लिया है पिछवा। पता है बहुत बड़ी आपके अंदर क्वालिटी है अगर आप पैसों को संभालना आपको आता हो, वरना ख़ास तौर पे औरतों के लिए बहुत बुरा समझा जाता है अगर वो उनके हाथ में पैसा नहीं टिकता, क्योंकि घर जो है वो औरत ही औरत चला। आपके आपके मियाँ कमा रहे हैं और आप नहीं कमा रही हैं, आप घर पर हैं और उसमें आप घर नहीं बना पाई या जमा नहीं कर पाई या छोटी सी कोई होता है ना कि आप जमीन ले लो या वो, सो वो दिमाग में अम्मा ने ऐसे बीज बो दिया था कि भाई किराए का वो नहीं करना, छोटा सा हो घर पर अपना होना चाहिए। पता नहीं क्यों मैंने अक्सर देखा है कि लोग कहते नहीं यार हम अच्छी जिंदगी गुजारे किराए पे रह लेंगे, पूरी जिंदगी किराए पे गुजार के, और वो होता है एक तलवार लटक रही होती है कि आपको किराया देना, अब तो कितने रेंट होंगे। हाँ, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम तारीफ करेंगे अपनी खुद ही। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक में तो जी हम सिलसिला शुरू करते हैं स्ट्रेंथ। आप में भी स्ट्रेंथ होगी लेकिन क्या आपने कभी खोजने की, पहचानने की कोशिश की है कि भी स्ट्रेंथ है? मैंने देखा आजकल खवातीन सिर्फ
कॉम्प्लेक्स का शिकार है, मोटे हो गए हैं हम, ये हो गए हैं, उसने ये पहना है, ये नहीं किया, उसके पास ये, हमारी सारी जिंदगी जाया हो गई है। आप पहले अपनी स्ट्रेंथ खोजने की, ढूंढने की कोशिश तो करें कि क्या है। अगर आप खाना भी पकाती, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे अपनी अम्माओं को यूट्यूब पे लेकर आए हैं, अम्मा इतना अच्छा खाना बनाती हैं, फारिग वक्त में ये करें उनकी यूट्यूब पे। मैंने, मुझे इतने अच्छे लगते हैं वो बच्चे जो जिनकी माओं को नहीं पता मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, चिपके हुए हैं बिल्कुल, उनकी माओं को नहीं पता कि वो कितनी टैलेंटेड है। बच्चे उनको बताते हैं कि आप में ये टैलेंट है, ये टैलेंट है, क्योंकि एक सर्टन टाइम में ना वो डिप्रेशन में जा रही होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो आपके पास और कुछ काम नहीं होता ना घर में। मैं कहती हूँ उन औरतों को, लड़कियों को अपने आप को बिजी रखना चाहिए। मुझे बड़ी जेलसी होती है, मेरा मियाँ जब अपने दोस्तों में जाता है और मैं घर में फारिग बैठी होती हूँ, कहती हूँ अल्लाह मेरे सुबह सुबह तो बड़े दोस्त तो होते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे कोई दोस्त नहीं जिनके साथ मैं हैंग आउट कर सकूँ। कैसे, आई डोंट नो, सीरियसली यू हैव आवर नंबर, जस्ट कॉल अस, वी विल मेक अ प्लान। मुझे मतलब मुझे कहीं, मेरा मियाँ डाइट कर रहा है, मेरा दिल चाहता है कि मैं कहीं रेस्टोरेंट खाना खाने जाऊँ, तो मेरे पास कोई नहीं होता। इतने सारे दोस्त हैं ना हमारे, कॉल करो, हमारा ख्याल नहीं आया आपको, ख्याल नहीं आया आपको हमारा। मेरा छोटा बेटा के आपके कोई दोस्त नहीं है, आप नहीं जाती डैडी की तरह दोस्तों में, सो वो होता है कभी कभार। लेट्स मेक अ प्लान देन, दैट इज मस्ट, जरूरी है। चलिए भाई दिखाएं भाई किस किसकी स्ट्रेंथ है नेक्स्ट। ओके भाई, आपकी क्या तारीफ होती है खानदान में खाने पे? खाना, ये खाना नहीं है भाई, खुद भूल गए, ये तो वो डेकोर है घर का, मुझे लगता है टर्किश पे, ये मेरे पास वो है डिशेस है ना, क्या है भाई बता दो मुझे, तुम लोगों ने तस्वीर तो लगा दी। ये क्या लगाया है सोफा? आपने तस्वीर किसकी भेजी थी? आपने तस्वीर किस चीज के लिए भेजी? जैसे मैंने अपने घर में मेरे सेटिंग वेटिंग चेंज करना है, नो नो, मेरे ये जो सोफे होते हैं ना घर में, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, लोग फेंक देते हैं ना, जो नया डिजाइन आया जी हम ये लेंगे, तो मैं उसी को चेंज करती हूँ। अच्छा, बड़ा मजा है। हाँ। और ढूंढ के कपड़ा लाती हूँ कमरे के हिसाब, जैसे मेरे बेटे का रूम है ब्लू और थोड़ा सा एप्पल ग्रीन है, तो मैंने उसको ना उसी टाइप के उसके जो ये है कुशन से ये प्रिंटेड करके, और बाकी सब मैंने प्लेन कर दिया उसका फ्रोजन। अच्छा। और वो इतना स्मार्ट लग रहा था। हाँ। तो अक्सर लोग जब भी मेरे घर मेरी जैसे नंद वगैरह, तो कैसे तुम कहाँ से लिया कहाँ से लिया, मैंने कहा नहीं ये लिया नहीं है, वो पुराने वाले को सही, पुराने वाले को सही किया। ओके। तो इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि आप प्लीज़ अपना पुरानी चीज़ें फेंकिए नहीं। हाँ। आप उसको एक नई लुक दे सकते हैं। पुरानी अब इस तरह की सॉलिड चीजें आ भी नहीं रही हैं, जो पहले की चीजें हैं वो आ भी नहीं रही, उसको आप रीडू करा सकते हैं। खूबसूरत लगती है, और आप कपड़ा भी महंगा मत लगाएं, सस्ता वाला लगा लें ताकि आप दोबारा चेंज कर सकें। बहुत ज्यादा महंगा लेने के बाद बड़ा दुख होता है, कोई घर में बच्चे आ गए कुछ उन्होंने यूं चॉकलेट लगा दी ये कर दिया, तो उसके बाद फिर आपको तकलीफ तो होती है। हाँ, सस्ता होता है तो आप फिर चेंज करवा लेंगे। हाँ, साल के बाद आप साल के बाद चेंज करवा लें, दिल भर जाता है आपका, सही है कि आप चेंज करा लें। मैं सबको कहती हूं कि बहुत बड़ी क्वालिटी है उसकी, वजह ये है कि औरतों का बहुत दिल ललचाता है जब फर्नीचर। अच्छा, मेरा नहीं होता ये सब होता है, कुछ औरतों का बहुत घरेलू मतलब घर की चीजें देख के Like, मैं भी वो हूँ कि मेरा भी दिल बहुत ललचाता है, पर मैं भी आपकी तरह यही करती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार जो जो चीज रखी हुई है ना आप इसी को चेंज करो। मैं भी नए घर पे अभी कितना फर्नीचर को अपना रीडू करवाया है सारा, और कुछ नया लिया है कि हाँ मैंने यहाँ पे, मगर मैंने अपने ड्राइंग रूम का लाउंज का जो पहले सामान था वो ड्राइंग रूम में पहुंचा के उसको पूरा रीडू करवाया। हाँ। वो लगता ही नहीं है कि वो जो है वो लाउंज का सामान था, वो रीडू करवाया। आपका पैसा सेफ हुआ? पैसा सेफ हुआ, बिल्कुल हुआ। होता ही है कि जैसे लाइक जितने मेरी शादी को साल हुए हैं, मेरे पास वो जो एक मैं शादी पर खरीद कर लेकर आई थी वो फर्नीचर के अलावा जो नेक्स्ट फर्नीचर लिया तो वो बहुत अच्छी लकड़ी वाला लिया, और अभी तक 22 साल हो गए हैं वो माशाल्लाह, वो शीशम की उसी को रिवैम करवाती रहती हूँ क्योंकि वो लकड़ी बहुत अच्छी है, पॉलिश करवा ले। हाँ। इतना खूबसूरत हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, पॉलिश करवा लेते हैं, कर्टन आप अच्छे से चेंज करवा ले, स्वेड का कपड़ा लगवा लिया, पहले वो पूरा लकड़ी का था, कभी लेदर लगवा लिया, कभी स्वेड लगा, तो नहीं चेंज करने का दिल चाहता क्योंकि आपको पता है वो लकड़ी इतनी सॉलिड है, आप दोबारा आप खरीदने जाएंगे आपको तो आपको मिलेगी भी इतनी नहीं। एक्सपेंसिव मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं, सही है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, वरना आप डिस्कार्ड करते तो आपको तकलीफ होती है। अरे भाई मैंने तो बहुत से, मेरे अपनी फैमिली में बहुत से लोग हैं उनको शौक है,
हर साल नया घर चेंज किया है जी, पूरी घर का फर्नीचर आएगा, बर्तन आएंगे। अरे भाई क्यों आएंगे, आपके पास कुछ जो है ले ले, हाँ, कुछ नहीं, आपके ले। पास जो है आप उसी को चेंज करें, हाँ, उसी को ठीक करें ना। बहुत बड़ी क्वालिटी, कहीं आप बड़ी जगह पे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ता है, थोड़ा सा कम होता है, दैट इज फाइन। ये थोड़ी कहना है कि पुरानी चीजों को, वही वाली बात कि जो हमने पहले की बनवाई हुई है वो क्वालिटी भी अब आप उस क्वालिटी से नहीं मैच कर सकते। लेकिन भाई मेरी अम्मा को तो हौका था, अच्छा वो तो पुरानी चीज भी नहीं छोड़ती थी और नहीं भी ले लेती थी, तो मैं कहती थी आप भर गया था, ज्यादा भर लेती हैं चीजों को उनको, जिसको मैं हम कहते थे आपको हौका है, आप इसको भी नहीं छोड़ना, आपने उसको भी नहीं छोड़ना, नहीं भी ले लेनी है तो इतनी चीजें क्यों भर रही। अच्छा मुझे बर्तनों का हौका है, अच्छा मुझे मेरा भैया कहते हैं इनको भेज दो कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो अब इतना बर्तन मेरे पास, मुझे बर्तनों का हौका है, मुझे ग्लास खरीदने का हौका है, मुझे हर तरह का ग्लास, और मैं जाके जब भी जाऊँ ना बर्तन कोई ना कोई उठा के ले आती हूँ, तो मैं बर्तनों का कहते हैं हौके की बात करी, मुझे बर्तनों का बड़ा हौका है, होता है ना हौका, जैसे मुझे कपड़ों का हौका है, हर चीज का ही होता है बट मुझे बर्तनों का ज्यादा। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों, मैं इनफैक्ट अभी थोड़े अरसे पहले अपने फ्रेंड्स के पास ही लाहौर गई, तो वो बात कर रहे थे कि अरे मुझे ये वाला बैग चाहिए और ये इसके लिए मैं सेव कर रही हूँ, ये डिजाइनर वो डिजाइनर, मुझसे ये कह रही थी कि विद एज आई फील, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत शौक था कि ये वाला बैग हो वो, बट विद एज अब मेरा हौका और शौक खत्म होता जा रहा है, या तो वो इसलिए है क्योंकि जिस तरह से लाइफ के सर्कमस्टांसेस आए उसमें मुझे अपने पर्सनालिटी को इतना शेप अप करना पड़ा और इतना चेंज करना पड़ा कि वो मेरे सारे शौक आहिस्ता 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 मर गए, मे बी विच इज नॉट a good thing maybe necessarily Sharmeen, हर एज के साथ प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। फिर जैसे तुमने अपना घर बनाया, तुम्हारी प्रायोरिटी ये हो गई थी कि मैं बैग क्यों खरीदूं, मैं बजाय उसके मैं सेव ना करूं लेकिन अपने घर के लिए, उस आदत से निकल नहीं पा रही हूं, अब हो गई है बहुत सी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है ना, फिर आपसे ज्यादा खाया नहीं जाता, ये कुछ इसी तरह अब वो मर गया है जो शौक था ना दिल में जो पहले होता था, हालांकि आई वाज नेवर स्पेंडथ्रिफ्ट, मैं कभी भी फजूल खर्ची कभी नहीं करती थी, लेकिन था कि कमेटी डाली जो कि दो तीन चीजें मैंने इस तरह की ली जो आज मैं पिक्चर्स भी लाई हूँ वो है मेरे पास, और वो एक एसेट की तरह ही है, लेकिन अब नई हिम्मत पड़ती कि अब मैं किसी और चीज पर खर्च करूँ, अब यही है कि नहीं क्योंकि ऐसा टाइम देख लिया है तो अब आई हैव टू सेव, आई हैव टू बी सेंसिबल। नहीं, ठहराव आता है, मुझे लगता है कि एज के साथ साथ जैसे मैं वो बता रही हूँ कि हौका तो मगर जब हौका था, अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा मैं संभलती हूँ, अब मैं हर चीज़ के लिए पहले 10 दफ़ा सोचूंगी, अच्छा यार इतना तो पड़ा हुआ है, भरा हुआ है, इतनी तो चीज़ें हैं, इतना वो है, तो अब मैं 4 की जगह अब मैं 1 या 2 पे आ गई हूँ। वो चीज़ आपकी एज के साथ साथ मुझे लगता है ठहराव आता है और चेंज आता है आपके अंदर। वो नहीं होता जब एक सर्टन टाइम बाद सांसें जो होती हैं वो तेल पे चीख रही होती, कितना तेल यूज़ कर लिया, वो बहुओं को डांट रही होती, याद है तुम लोगों को, मतलब ये देखा है, देखा गया है मैंने, हाय हाय कितना यूज़ कर लिया, बिजली बंद करो। एक आप बड़ी उम्र में आ जाते हो तो आप चीज़ें बहुत बचा रहे होते हैं, आप देखिए इसमें अक्सर बहुओं और सासों की लड़ाई होती है क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर के आ चुकी होती है और उनको आप बचाना आ जाता है। मुझे तकलीफ होती है कि अब एक्स्ट्रा मतलब लाइटें ना जलाएं, एक्स्ट्रा क्यों लाइटें चल रही हैं, ये तो जैसे जैसे आपको शऊर आता जाता है, शऊर बिल इतने आने लगे, शोर से ज्यादा शोर और बिल दोनों बिल्कुल सही। तो जो आपकी बच्ची है वो ज्यादा आपकी बेटी को ही आप बोल रहे हो, आप बहू को तो छोड़ ही दे, आप अपनी बेटी को भी बोल रहे हो क्या किया है, पंखे खुले छोड़ के आ गई हो, एसी खुला छोड़ दिया है, तो वो शऊर आने की। अच्छा ऑब्वियसली इस चीज़ की मैं पिक्चर तो कोई नहीं दे सकती थी, लेकिन वही वाली बात कि किस चीज़ पे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरी पर्सनालिटी में एक जो मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है वो मेरा सेल्फ कंट्रोल है, मुझमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझमें इतना पेशेंस से ज्यादा सेल्फ कंट्रोल, सब्र, दैट इज द वर्ड, कि अगर मैंने कोई चीज सोच ली है कि ये मैं नहीं कर सकती, इस वक्त मेरी पॉकेट ये इस चीज की इजाजत नहीं देती, फिर मेरे आस पास मेरे घर में मेरी बहनों के साथ मैं कहीं बाहर भी गई हुई हूँ वो सब वो चीज कर रहे हो, अगर मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकती तो मैं वो नहीं करूंगी और उस पे मैं मिजरेबल भी नहीं होंगी। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कोई दुखी नहीं होंगी, मैं कोई डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी, एंड पीपल अराउंड मी नोटिस दैट एंड दैट इज व्हाट दे कॉम्प्लीमेंट मी ऑन
कि इतना सेल्फ कंट्रोल कि बस अगर नहीं करना तो बस सही है, नहीं करना. इसमें कोई रोने वाली बात नहीं है, कोई डिप्रेस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबका अपने अपने सर्कमस्टांसेस है, सबका अपना अपना नसीब है, और आप उससे नहीं लड़ सकते. एग्जैक्टली. तो ये चीज मुझे और ये मेरी प्यारी क्वालिटी है, क्योंकि आज जो मैं लोगों में देखती हूं, हसद है आजकल तो लोगों में, 14 लाख का बैग ले लूं. नहीं, अरे 14 लाख की बात करी, हमारे तो सेटों पे गिनवाया जाता है. अच्छा नहीं, मैं आपको बताऊं, आप बैग की बात कर रही हैं, अगर आप अपने मियां के साथ तस्वीर डालेंगे खुशी खुशी, हसद के मारे मर जाएंगे. कि क्यों भाई, क्यों हो रहा है? और कोई अगर उनको ये भनक पड़ गई कि आप दोनों की कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो अंदर से एक लड्डू फूटता है लोगों में. सिर्फ यही बात नहीं, अगर आपने कोई घर ले लिया, आपने कोई गाड़ी ले ली, या कोई भी खुशी आपने शेयर कर ली, ओहो भाई ये तो बर्दाश्त नहीं है आजकल लोगों से. कैसे किसी की बर्बादी होगी तो सबसे पहले कोई दूसरा ही टांग खींचेगा. और मैं तो ये कहती हूँ कि दूसरे का अच्छा चाहो, अल्लाह खुद आपका ऑटोमेटिकली अच्छा करता है. लोगों में नहीं हो रहा है, नहीं रहा, खत्म हो गया ये चीज. हम अपनी पार्टी बनाते हैं और हम देखते हैं कि इतनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर, इतना नहीं, मैं वही कह मैं देख रहा हूं, नजर आती है ना, पर तो हमें नजर नहीं आती थी सोशल मीडिया के थ्रू, हमें नजर आती है. मैं ये कहना चाहती हूं कि इतना नेगेटिविटी लोगों के अंदर भरी हुई है, मिजरी है ना रबाब, क्योंकि सब लोग अपने अपने लाइफ में इतना फंसे हुए हैं, इतना परेशान है कि कहां वो फिर मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, लाइफ पर मैं परेशान है तो दूसरी की लाइफ को बर्बाद क्या वो कहेंगे कि ये भी बर्बाद है, ये भी बर्बाद है, नहीं दूसरे की खुशी पे बर्दाश्त नहीं. हमने तो हमेशा बड़े बुजुर्गों को वो करते हुए देखा है. अब ये जो आ गया ना दुआएं देते हुए देखा है, मैं बहुत ज्यादा आ गई ना लोगों में, मैं के चक्कर में ना खुद ही जलील हो रहे हैं. पता नहीं सबसे जलील हो नहीं रहे, जलील कर रहे हैं, ये समझते नहीं है कि हम और चलो आगे बढ़ते हैं, जलील हो रहे, छोड़ो हम नेगेटिविटी नहीं करते सुबह सुबह. चल हाँ भाई नेक्स्ट नेक्स्ट तारीफ. अच्छा हाँ ये तुमने अपने घर की दी. अच्छा ये थोड़ा सा अगर जूम इन नहीं हो सकती पिक्चर, ये मैंने बेसिकली फायरप्लेस की पिक्चर भेजी थी. अच्छा जो आपको नजर आ रही है सामने, जो शीशे के नीचे पूरी फायरप्लेस है, चेयर के पीछे नहीं, सामने जो शीशा लगा हुआ है उसके नीचे फायरप्लेस पूरी बनी हुई है. अच्छा तो ये मैंने जब अपने घर में, मैं अपार्टमेंट में ओपन हुई थी, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं अपने घर में फायरप्लेस करूं, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत अरसे रही थी तो वहाँ पे हर घर में होती है, लाहौर में बहुत है, हर जगह लाहौर में भी होती है, कराची में तो फायरप्लेस का कोई तुकी नहीं बनता ना इतनी गर्मी में. हाँ अच्छा अब मैंने जब ढूंढना शुरू किया तो बनी बनाई फायरप्लेसेस 5 लाख 4 लाख, क्योंकि फायरप्लेस हैज टू बी ऑफ सॉलिड वुड. और इतना उस वक्त मैं अपने सारे पैसे खर्च कर चुकी थी, नहीं था मेरे पास कि मैं 4-5 लाख की फायरप्लेस खरीदूँ. तो वही वाली बात कि अम्मी के घर 2 शीशम के वुड के पिलर्स रखे हुए थे, कार्ड बहुत खूबसूरत, बहुत पुराने, वॉर्न आउट, जो अम्मी यूज़ नहीं करती थी, और काफ़ी ऊंचे पिलर्स थे. तो एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी, मैंने कहा इनको मैं यूज़ करती हूँ, मैं उन पिलर्स को गाड़ी मैंने मंगवाई, उसमें मैंने रखवाए, मैं उनको मार्केट लेके गई लकड़ी के काम वाली मार्केट पर, और मैंने उनसे कहा इसमें बीच में आपने इसकी कार्विंग का पीस आपने बीच वाला मुझे बना कर देना है, ऊपर प्लाईवुड लगा लें लेकिन बीच में शीशम होनी चाहिए टू मैच द पिलर्स. वो उन्होंने पूरा कार्व किया, उसको बनाया, मैंने वहाँ पे 5 या 6 दिन बैठी हूँ, मैंने अपने सामने ये काम कराया बैठ के पिलर्स के साथ. वो कार्विंग पहले थोड़ा सा उसका पैटर्न बना, फिर वो बीच में उसका पीस ज्वाइन हुआ, फिर ऊपर लगा के फायर प्लेस पर पॉलिश करा के जो 5 लाख की फायर प्लेस और 4.5 की मिल रही थी, ये मुझे आई थिंक 23,000 या 24,000 में पड़ी. और जब मैं घर लेकर आई हूँ, माई होल फैमिली वॉज शॉक, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही पिलर्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, क्योंकि अम्मी को भी थोड़ा सा ही हुआ कि ये तो मैं भी यूज़ कर सकती थी, मुझे ख्याल नहीं आया. और फिर वो चीज़ वो बन गई जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रही थी, और वो इतनी महंगी थी कि वो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जाके खरीदूंगी. वो 23,000 या 24,000 रुपए में मुझे पड़ी थी, और इतनी अच्छी लगती है. अब तो बहुत महंगी. एंड दिस इज प्योर शीशम वुड, साइड के तो बिल्कुल ही सॉलिड है, मैंने बीच के भी प्योर शीशम, क्योंकि कार्विंग आप सिर्फ लकड़ी में ही करा सकते हैं, आप प्लाईवुड में नहीं करा सकते. तो ये, और अब जब भी कोई मेरे घर आता है, they have to compliment on the fireplace because it looks very grand, it's very solid, you know, it has that antique look. usme maine polish bhi thodi antique bed ke acha mai polish bhi bahut mehngi ho rahi thi,
तो मैंने बेसिक पॉलिश करा के फिर मैंने 200 रुपए का गोल्ड पेंट खरीदा और मैंने खुद घर में बैठ के उसको जो एंटीक टच होते हैं ना वो सब मैंने घर में बैठ के खुद किया क्योंकि वो महंगा पड़ रहा था मुझे ना, आई हैड टू सेव मनी हाउएवर आई कुड. तो ये मैंने जिस तरह से बनाई आई फील वेरी प्राउड क्योंकि जब भी कोई आता है जैसे बहुत मुझे इस पर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है कि मैंने एक ऐसी चीज़ को जो कि बिल्कुल बेकार घर में पड़ी हुई थी उसको मैंने इतनी अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया कि अब वो यू नो इट एक्चुअली लुक्स ब्रांड न्यू. अच्छा अब जैसे ये बता रही है कि इसके अंदर एक क्वालिटी है तो मेरी एक रिश्तेदार है, नाम तो नहीं ले सकती, मेरी रिश्तेदार समझ जाएंगी मगर हाँ वो शायद समझ जाएंगी. उन वो ना क्या करती है, चीज़ अगर महंगी भी खरीद के लाएंगी ना तो वो घर में आके सब पूरे खानदान वालों को बताएंगी मैंने इतनी सस्ती खरीदी है. ओके क्यों पकड़ी गई दो तीन, आई डोंट नो, उनको लगता है कि वो स्ट्रेंथ दूसरों को दिखाना चाहती है मेरी कि मैं कितनी सलीका शार हूँ जबकि नहीं है वो, या फिर उनके हस्बैंड नहीं उनको इतना खर्च करने देते हैं तो वो उनसे छुपाती है. आई डोंट नो, तो वो ऐसा कुछ भी ऐसे ऐसे चीज खरीद के सस्ता बताती हैं. लोग होते हैं ना शो मारते हैं उल्टा सस्ता खरीद के महंगा, तो दो चार दफा पकड़ी गई वो क्योंकि टैग लगा हुआ था या कुछ हमने पकड़ लिया ये जोड़ा ये तो मैं इतने का लेकर आई हूँ टैग लगा हुआ था कि वो तो महंगा है. सो मैंने कहा फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये तो खरीदती है नॉर्मल प्राइस की और हमें हैरान करने के लिए इतनी ज्यादा और वो शो ही यही मारती थी ये तो मैंने इतने के लिए और हम कह रहे थे हम बंदा सोचे कि हाँ हमें तो इतनी महंगी मिल रही है और ये इतनी सस्ती तो कैसे लेकर आ गए. छोड़ू थी हम वो उनकी स्ट्रेंथ ही छोड़ू मैं आपको बता रही हूँ उनके हस्बैंड उनको शोर मचाते होंगे कि तुम इतनी स्पेंडथ्रिफ्ट पैसा खर्च करती हो तो वो अपनी जान बचाने के लिए क्योंकि हर औरत के पास अपनी सेविंग्स होती हैं वो साइड में घर खर्च से सेव कर ही रही होती है तो वो उधर अपने पैसे ज्यादा स्पेंड करके हस्बैंड को भी कम बताती होंगी कि मैंने तो इतना सस्ता लिया है और बाकी फिर ऑब्वियसली सबको वही सेम स्टोरी बतानी पड़ेगी ना सबको रियलिटी तो नहीं बता सकते यही होगा या फिर उनके अंदर ये चीज ही होगी. मैं तो अपनी सास को झूठ बोलती थी अल्लाह ने जन्नत नसीब करे वो पूछती थी कितने का लिया है सूट तो मैं कहती अम्मी बस 2000 का हालांकि वो होता था 5-6 अगर उनको पूरी प्राइस बताऊंगी वही ना इतना महंगा क्यों लेके आई है तू कोई लोड नहीं थी जब वापस कर रहा अब उनको तो नहीं सच बताया डर के लोग छुपा लेते हैं कम प्राइस बता दे. अच्छा भाई नेक्स्ट रबाब का किचन. मेरा किचन ये मेरे नए घर का किचन. वाह बन गया है कब इनवाइट कर रही हूं. वाह जय बस अब ये नए घर का किचन है. इधर भी डिफरेंट है पूरा उन्होंने मेरे चारों तरफ की तस्वीरें वैसे मैंने भेजी थी तो वो शायद उन्होंने सिर्फ एक ये अब वो जब पूरा प्रॉपर शिफ्ट हो जाओगी फिर हम ये भी आ गई ना पिक्चर. ये मेरे ये है डाइनिंग एरिया. अभी डाइनिंग रबाब क्या बना रही हैं आप भाई लवली माशाल्लाह अच्छा कॉम्बिनेशन है ये व्हाइट और ब्राउन का. ये हाँ ये मेरा पार्टीशन हुआ है या इधर डाइनिंग है और उधर लाउंज है. ओए होए होए रबाब पर्दे भी लग गए. पर्दे भी लग गए सारी चीजें हो गई. कब से हो रही हैं शिफ्टिंग चल रही थी मेरी आपने बुलाया तो मैं एक दिन के लिए आ गई और वापस चली जाऊंगी मैं. वाह 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 तो बस मेरी मैं मिडिल शिफ्टिंग में हूँ. होए होए तो बहुत दिल से बनाया मैंने इतनी मेहनत की है इतनी मेहनत सर्दियां भी होती है तो फिर वो नमी आ जाती है और वो सारी चीजें होती है तो 6 महीने उसने मेहनत की है उसके बाद सारी मेहनत वो मेरी थी जब वो फिनिशिंग पे जब आया तो और नए शहर में चीजें ढूंढना और सर्वे करना अकेले आपका कोई भी पीछे मतलब ना हो साथ या कोई फ्रेंड ना हो करना. तो मैंने बहुत मेहनत की एक एक लिटरली डिटेलिंग और एक एक कोने पे मेहनत की. तो आपको लाहौर की वो सारी मार्केट्स पता चल गई होंगी जो हम कराची में मैं कहती हूँ शायद लाहौर वालों को वो नहीं पता होगा जो मुझे मार्केट्स पता चल गई है कि कहाँ से सस्ती चीज क्योंकि मैंने इसलिए सर्वे ज्यादा किया कि मुझे मैंने ये नहीं करा ये पसंद आ गया तो मैंने ये ले लिया उठा लिया. मैंने हर जगह वो चार पांच जगहों पे सर्वे करके मुझे कहीं से सस्ता मिल जाए वही चीज और ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मुझे अच्छी चीज कहीं से महंगी मिल रही थी कहीं से सस्ती मिल गई और कुछ जहाँ मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था मैंने वो भी किया मैंने नहीं किया कॉम्प्रोमाइज कि जहाँ नहीं हो सकता था. और वैसे भी रबाब जब आपकी अपनी चीज होती है ना तो आप इंटरेस्ट लेके करते हो बहुत मजा भी आता है आपको. छोटे से ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. Wow,
वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हम एक दूसरे को खुश कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को खुश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप में भी कोई स्ट्रेंथ आपकी होगी, आपकी भी कोई खासियत होगी जो शायद बाकी सारी चीज़ों के नीचे दब जाती है और फिर एक सर्टन टाइम पर आपको याद आता है कि ये तो चीज़ मेरे अंदर थी और इस चीज़ में मैं महारत रखती थी. सो उसको बावर कराना भी ज़रूरी है. कभी कभार आपको तारीफ खुद ज़बान से निकलवानी पड़ती है लोगों के, है ना? बिल्कुल. देखते हैं भाई हम नेक्स्ट. मेरे बैग. क्या है ये बैग, क्या हुआ? हैंड बैग. मेरी कोशिश होती है कि मैं जब ट्रैवल करती हूँ जाती हूँ तो ना मैं सेलों में घुसती हूँ ना. हाँ, मैं बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लेती. हाँ, मुझे बहुत दुख होता है. मैं कहती हूँ अपना ये इतने पैसे क्यों इसमें वेस्ट करूँ. मैं कोई गोल्ड की चीज़ ले लूँ या कुछ ऐसी चीज़ ले लूँ जिससे मेरी पैसे सेफ हो जाए. तो मैं फिर कोशिश करती हूँ सेल वगैरह. अब मैं वैसे भी कोई कॉन्शियस भी नहीं हूँ कि जो मैंने बहुत महंगे बैग लेने 14 लाख का 30 लाख. नहीं नहीं, मुझे तो कोई रेडी वाला भी पसंद आ जाता है तो मैं ले लेती हूँ. सब मुझसे पूछती कितने का है, कहाँ से लिया. अभी मैं तो पहले लंडे बाजार से भी लेती. अरे सही है भाई. हाँ, मुझे तो कभी गिल्टी फील नहीं हुआ. लोग मुझसे पूछते हैं आप तो ये वाकई एक स्ट्रेंथ है. मैं बताऊँ आपको, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके अंदर है. बिल्कुल. और अगर ये है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो निवाला नहीं उतरता अगर वो जो चीज़ देखी हुई है वो ना खरीदे. बहुत सारे लोग DHA में लगता था तो कितनी हम लोगों को, मुझे तो बड़ा सुकून था. मैं तो जाती थी, मैं तो अपनी शर्टों की लेसें बटन वगैरह सब कुछ वहाँ से बहुत अच्छे मिलते थे. आई एग्री. तो मैं तो बहुत बड़ी, मुझे कोई पसंद आ जाए तो. आपको पता है इतनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं जब संडे बाजार DHA में लगता था कि मैं गई हूँ, अभी भी लगता है. हमारे टॉप टियर डिजाइनर्स भी वहाँ से शॉपिंग कर रहे होते थे, जो टॉप नॉच कहते थे ना. नहीं, हम नजर आते थे, बहुत नजर आते थे क्योंकि वहाँ पे इतनी इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं. वहाँ पे इम्पोर्टेड चीजें आई हुई होती हैं जो कि यूज होती हैं, सेकेंड हैंड होती हैं. बट यू बाय देम एंड यू रीयूज देम इफ यू हैव द सेंस एंड इफ यू हैव द ब्रेन्स टू नो हाउ टू यूज. बहुत अच्छा लगता है. बहुत सी चीजें आपको ऐसी मिल जाती हैं जिनको आप अपने घर के लिए ला सकते हैं. इवन आपके कर्टन्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ से, संडे मार्केट से. हाँ, अगर आपका दिल चाह रहा है जल्दी जल्दी चेंज करने का अपने कर्टन्स, तो हर दफा नए बनवाने के इतने महंगे कर्टन्स बनते हैं भाई. अच्छा, मुझे कभी भी थोड़ी मैं कहूँ की जी मैं फलानी जगह से लूंगी और फलानी जगह नहीं. जो चीज पसंद आ गई घड़ी पे भी आ जाती है. बिल्कुल ऐसा ही. सब तारीफ करते, मैं कहती हाँ जी सलीका ना आपकी आय होनी चाहिए कि आप क्या पिक कर रहे हैं. आपको सलीका वही जो तुमने अभी बात कही कि लोग इतने महंगा भी पहन लेते हैं लाखों रुपए का और लिटरली नहीं लग रहा होता कि उन्होंने वो कोई 5 लाख का कपड़ा पहना हुआ है या कोई कैरी किया हुआ. लग रहा होता है ये अच्छा ब्रांडेड होना चाहिए. वो कॉपी लग रहा होता है जबकि वो कॉपी नहीं होता. आजकल जोड़े आते हैं ना जिसके साथ लेसेस भी आती हैं और पूरा एक सब पूरा पैकेज आता है. इसको ऐसे सिलवा दो. कैसे सिलवाएं आप? अब आप नहीं, आप दर्जी को देते हैं कि भाई ये कैटलॉग से देख के बना दो. बनवा के पहले और फिर जब आप बाहर जाए तो 3 औरतें वो बिल्कुल सेम टू सेम पहनी हुई, तो आपकी इंडिविजुअलिटी हो सकता है. वो लेसेस आप पे सूट ही ना कर रही हूं. बिल्कुल, वो जहां जहां लगाने को दे रहा है आपकी बॉडी टाइप अलग कर दी है ना. लोग तो कॉपी ज्यादा करते हैं ना, बस ये बना दो. अलग फलानी अलग, हर टाइप की लेसेस एक कमीज के साथ होती है. समझ ही नहीं आ रही होती है कि वो लेसेस कहां लगेंगी, छुपी हुई. चलिए जी नेक्स्ट क्या है. गाड़ी. शर्मीन तुम्हारी गाड़ी. यस, ये मेरी गाड़ी नहीं है लेकिन यही विट्स मैंने ली थी जब मैं आई वॉज इन माई लेट 20s. और आता है ना एक शिफ्ट आता है आपकी पर्सनालिटी में आपकी एज, क्योंकि आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड. तो मैं बहुत अरसे बाद मुझे पता चला कि ये दिस इज़ हु आई एम, ये है मेरी पर्सनालिटी एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट इन लाइफ. तो उसके बाद लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, कुछ डिसीजंस लिए जिनकी वजह से लाइफ बहुत चेंज हुई. तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी और मैंने ये रियलाइज़ किया कि इंडिपेंडेंट होना औरत के लिए बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. और आप हर वक्त ड्राइवर पे डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि ड्राइवर की भी सैलरी होती है, फिर खाना पीना तो वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. तो मैंने उस वक्त जितने भी मेरे पास सेव थे ना, समझे उस वक्त मेरी लाइफ में मैंने जितने भी उस वक्त तक पैसे सेव किए थे, आई थिंक 15 या 16 लाख थे मेरे पास. मैंने कहा ये मैं सब गाड़ी पर स्पेंड कर दूँगी. मैं पहले मैंने ड्राइविंग लेसन लिए
और उसके बाद मैंने कहा अब मैंने गाड़ी लेनी है, तो अम्मी ने मुझे बहुत समझाया. अम्मी ने कहा देखो कोई यूज्ड गाड़ी लो, क्योंकि तुम यू आर न्यू ड्राइवर, तो तुम गाड़ी इधर उधर मारोगी खामखे में इतने पैसे ना, 4-5 लाख की कोई गाड़ी ले लो. आई सेड नहीं, ये मैं रिस्क इसलिए नहीं ले सकती हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू बी ड्राइविंग ऑल अलोन ऑन माय ओन, ना मेरे पास गार्ड है ना मेरे पास ड्राइवर है, तो गाड़ी रिलायबल होनी चाहिए कि कहीं वो इधर उधर ना रुक जाए. तो इसलिए फिर मैंने अनरजिस्टर्ड, उसी वक्त जो आती है ना जापान से गाड़ियाँ, जीरो मीटर नहीं होती है वो रिकंडीशन इज द वर्ड, बहुत अच्छी कंडीशन में होती है क्योंकि जापान से आई हुई होती है. जापान की रोड पर गाड़ी चली हुई इज एज गुड एज ब्रांड न्यू बिकॉज उनकी रोड. तो मैंने कहा मैं ये एक सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करूंगी, लेकिन मैं एक अच्छी चीज में इन्वेस्ट करूंगी क्योंकि यहाँ पे पैसे बचाना इज गोइंग टू बी फूलिशनेस. फिर भी मैंने बजट में रहते हुए कोई मैंने कोई बड़ी गाड़ी का ख्वाब नहीं देखा था, लेकिन मैंने एक अफोर्डेबल अच्छी रिलायबल गाड़ी ली. पहले मैंने एज आई सेड ड्राइविंग लेसन, उसके बाद नेता मेरी जिंदगी में आई वुड से 180 डिग्रीज का शिफ्ट आया है. मैं इतनी ज़्यादा जो एक फ्रस्ट्रेशन थी ना जिंदगी में और एक मिजरी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने बलबूते पे कुछ काम कर ही नहीं सकती हूँ, मैं किसी काबिल हुई ही नहीं. अगर मुझे मार्केट तक भी जाना है तो या तो मैं अपनी अम्मी से कहती थी या फिर आप उस ज़माने में उबर और करीम भी नहीं आई थी, तो आप येलो कैब कर रहे हैं, रिक्शा कर रहे हैं, बड़ा मिजरी होती थी लाइफ में. तो ये आई फील के जो मैंने अपनी लाइफ में सेव करके जो कुछ अच्छी चीज़ों पर इन्वेस्ट किया है, उसमें ये गाड़ी जो थी वो एक पहली इन्वेस्टमेंट थी मेरी जिसने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया. और आज तक मैंने अभी यही गाड़ी रखी हुई है, हालांकि मैं सेव करने के बाद अपग्रेड कर सकती थी, लेकिन एक इतनी अटैचमेंट है मुझे इस गाड़ी से क्योंकि मेरे दुखों के वक्त की साथी है. तो आई हैव केप्ट इट, आई कीप इट इन अ वेरी गुड कंडीशन एंड आई लव इट एंड आई एंजॉय इट. बड़ी बात है. मुझे बहुत से दोस्त देख के कहते हैं कि क्या तुम अपग्रेड कर लो, क्या तुम ये, बट आई से नो. एक तो आई फील नो शेम, एज आई सेड मुझे अपनी चीज़ों पर जितनी की भी हो मुझे हमेशा बहुत फख्र होता है. मैं कभी भी अशेम्ड नहीं फील करती कि ओ मेरी फ्रेंड के पास 1 करोड़ की गाड़ी है, मैं छोटी ये तो बिल्कुल पता नहीं लोग ये भी एक स्ट्रेंथ है बाप, क्योंकि यहां नहीं होती ये भी एक स्ट्रेंथ है. वही हम बात कर रहे हैं कि लोगों में यही है कि हसद है, उसने लिया तो मैंने भी तो लेनी ही लेनी है मैंने. नहीं फिर थोड़ा सा ना लोगों का भी ये होता है. अब 3 दिन पहले मेरे एक बहुत अच्छी दोस्त, दिल से वो बहुत अच्छी, आई नो शी डिडंट मीन इट इन दैट वे, उसने कहा यार शर्मीन गाड़ी तो चेंज कर लो यार, काम करती हो, पैसे जमा कर लिए, क्या गाड़ी रखी हुई है, ढंग की गाड़ी लो. मैंने कहा आई एम सॉरी ये मेरी ढंग की गाड़ी है, मैं एक सिंगल औरत हूँ और मेरे लिए गाड़ी चलाना बिल्कुल ठीक है. आई डोंट नीड टू प्रूव माई सेल्फ टू एनी वन इन दिस वर्ल्ड. जब मुझे इस गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं लोगों को प्लीज करने के लिए अपने पैसे क्यों इन्वेस्ट करूँ. मैं अपने पास रखूंगी, मैं 10 चीज़ें और पे अब स्पेंड कर सकती हूँ, मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ. नहीं करना, मेरी ये प्रायोरिटी नहीं है ऐसा. तो ये मैं आई फील रियली ये वाली क्वालिटी मेरे अंदर भी है. मेरे पास एक छोटी गाड़ी है मीरा जो मैंने सौदा उसके लिए रखी हुई है और एक बड़ी गाड़ी है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं जो छोटी गाड़ी में, जैसे बड़ी गाड़ी कोई और यूज़ कर रहा है घर में तो मैं छोटी गाड़ी में भी चली जाऊँ. बिल्कुल मेरी तो खैर खचाड़ा हुई हुई है, बिल्कुल बुरी हालत में है, मैं लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए. मुझे किस्से याद आया तुम्हारे किस्से पे, फ्रेंड का मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत पहले की बात है. मैं ये शो करके हम निकल रहे थे तो मैंने स्विफ्ट थी मेरे पास उस वक्त, हस्बैंड के पास सिविक थी, मतलब एक गाड़ी वही छोटी रखनी थी, एक गाड़ी नॉर्मल रखनी थी. एक मेरी फ्रेंड आई, उससे बोला तुम जो ड्रॉप कर दोगी, मैंने बोला हाँ चलो तुम आ जाओ, मैं गाड़ी निकालती हूँ पार्किंग से, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी. इन कराची या लाहौर? कराची, कराची. अच्छा ठीक है. नहीं मैं उन दिनों पे, ये बहुत पहले की बात है, मैं तब भी एक दफ़ा जो है ना एक साल के लिए लाहौर गई थी. ठीक है ओके. तो मैंने हाँ निकलो मैं क्या कहते हैं तुम निकलो, मैं निकालती हूँ पार्किंग से. जब मैं निकाली पार्किंग से, उससे बोला ये गाड़ी है तुम्हारे पास? हाँ. मैं तो नीचे बैठ रही. Are you serious? मुझे तुम्हारी दोस्त के बात पे ना एकदम से वो किस्सा याद आ गया, कहने की तुम जाओ जाओ जाओ, मैं किसी और को बोल दूंगी. मतलब खुद के पास गाड़ी नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर रही हूँ, अब गाड़ी नहीं है आपके पास, आपके पास है ही नहीं गाड़ी, और आप मुझे कह रही इस गाड़ी में मैं तो नहीं बैठ रही, तुम जाओ मैं किसी और से लिफ्ट मांग लूंगी. मैंने ओके. तो ऐसे लोग आपको डिग्रेड करते हैं. तो मैंने अपने हस्बैंड को उस वक्त ना थोड़ा सा मैं हुई एकदम से ना अपसेट हुई मैं. तो मैंने यार तुम तो ऑफिस में जाके बैठ जाते हो, तो मुझे ना यहाँ तो बड़ा लोगों को कॉम्प्लेक्स है भाई, तो तुम मुझे अपनी गाड़ी दे दो और तो मैंने ये छोटी गाड़ी रखो ऑफिस में, क्योंकि यहाँ लोग कहते हैं कि हम तो बैठ ही नहीं रहे इस गाड़ी में. तो ऐसे लोग हैं
कि जो आपको नीचे दिखाते हैं, डिग्रेड करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, मिलना छोड़ दो। हाँ, ऑफ कोर्स। मेरी फ्रेंड का मकसद डिग्रेड करना बिल्कुल भी नहीं था। वैसे एक मुझे याद आया, वो तुम्हारे पहले के लिए कि तुम अपग्रेड कर लो ना, यू हैव द मनी, व्हाई डोंट यू अपग्रेड। ये वाला जो सीन था ना, ये वाला सीन, ये तो बहुत, ये सीन तो बड़ा डिफरेंट था। ये तो आपको नीचे दिखाने कर रहे हैं ना मेरी, नहीं नहीं, लेकिन सीरियसली वो बहुत मुफ्त के ज्ञान बट रहे होते हैं इंस्टा पे, तो उसमें यही होता है कि वो लोग जो आपको कमतर महसूस कराते और आप उनकी कंपनी में बैठते हैं, आप उनके साथ बैठना ही ऐसे ही करा। भाई एक फेज हम लोगों के साथ ऐसा आया था कि मेरे हस्बैंड ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, वो नहीं, उसमें लॉस हो गया, कुछ हो गया, हमारी गाड़ी बिक गई, सब कुछ हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेंगे गुजारा, आ जाएगी फिर। तो हम लोग, मेरे बच्चे जाहिर वो महसूस करते थे कि हमारे पास गाड़ी थी, अब गाड़ी नहीं है। लेकिन मैं अपने छोटे वाले से कहती थी, वो जो बस जाती थी ना, वो मैं डिफेंस में जब तो कहते जब वो गुजरती थी, मुझे कहता अम्मा 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 वो देखिए हमारी कार आ गई। इनका हाँ बेटा हमारी कार, हम लोगों ने बस में भी सफर किया। हाँ, इसमें कोई हाँ क्या नहीं फर्क है? पड़ता अच्छा, है पता है, मैं एक बात बताऊँ, वही वाली बात के बच्चों, जो बच्चे माँ बाप से सीखते हैं ना, जो देख रहे होते हैं वैसे ही डिवेलप होते हैं। मेरी बेटी मतलब जो स्कूल में जाती है, शी हैज़ वेरी रिच फ्रेंड्स, मतलब इतने रिच कि आपकी सोच है, पर मेरी बेटी में भी ये कॉम्पिटिशन नहीं है। अल्लाह का शुक्र मैंने नहीं ये फील किया कि वो उसको कोई कॉम्प्लेक्स हो रहा हो या फिर वो अपसेट हो रही हो। शी हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हर कोई इक्वल नहीं होता, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। अगर हम उतने अमीर नहीं है तो हमसे भी बहुत लोग हैं जो कम है, तो हमने उनको देख कर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो मेरी बेटी में मैं ये फील करती हूँ, एंड आई फील वेरी ग्लैड, क्योंकि अगर बच्चों में ये आ जाए ना, तो आपको वो चीज़ बहुत तकलीफ करती है। जब आप अपने बच्चे को तकलीफ में देखते हैं ना, तो इट हर्ट्स यू ऑल्सो। तो अल्लाह का शुक्र उसमें ये वाली चीज़ नहीं है। हाँ, फ्रेंड्स के साथ जा रही है, खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, वो आई गेट, लेकिन मैं नहीं कर सकती उन लोगों के साथ कम्पीट, एंड शी अंडरस्टैंड्स दैट एंड शी इज ओके विद इट, अल्हम्दुलिल्लाह। बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आप जो होते हैं वो आपके बच्चों में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। बिल्कुल, अगर आप हैं बहुत ऐसे, मैंने देखा मेरे बच्चे के कुछ दोस्त हैं जो अपनी इमारत का जो है नुमाइश करते हैं, ठीक है, और वो ज़ाहिर है छोटा है, तो फिर मैंने उसको इसी तरह समझाया है जैसे तुम अपनी बेटी को समझाती हो, तो फिर वो बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि यही तो एज है सीखने की और समझने की। मैं कहती हूँ कि ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल, कि वो अपने बच्चों को बताएं कि हम किसी, क्यों हम किसी का मुकाबला, जो हमारे पास है अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो लाइक होता है ना पॉकेट मनी, मेरे मियाँ ने मुझे समझाया हुआ है बच्चों में प्यास रखो, तो गिन के लेके जाता है पॉकेट मनी जो है 220 रुपए। अच्छा, फिर मैंने किसी दिन 250 दे दिए, तो कहते हैं आज आपने 250 दे दिए। यही वो बच्चा था जो आया था मेरे फलाने दोस्त को, 1000 रुपए मिलते हैं। तो फिर मैंने उसको बिठा के समझाया, मैंने कहा नो, आप 1000 रुपए नहीं लेंगे, क्योंकि 1000 रुपए की जरूरत नहीं है। आप बच्चों को पैसे ज्यादा दें, बच्चे आजकल आप देखें, अल्लाह माफ करे, ड्रग्स पता नहीं किस किस, मतलब लाइक आप, हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ ऐसे कि हमारी फिक्स थी पॉकेट मनी, चाहे हमारे हालात कुछ भी हो, हमारी एक पॉकेट मनी सर्टन फिक्स थी और हम उसी में वो करते थे। तो बच्चों को भी आना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो फ्राइडे के फ्राइडे देती थी उनको पैसे, और जब मेरी बेटी अभी बाज ऐसे बातें कहती, हाँ सारी सख्ती आपने मेरे साथ की है ना, मुझे तो लंच बना बना के देती थी, बाहर से कुछ नहीं खाना, और इनको आप पैसे देती थी, मुझे नहीं देती थी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या ब्रेक है? अच्छा, तुम्हारी अच्छा मेरा क्या है? हाँ गाड़ी, हाँ, गाड़ी, ये भी गाड़ी, ये एक्चुअली में मेरी गाड़ी तो नहीं है, बट ये करोला, हाँ, ये वही पैसे जमा करके एक नियत थी। मेरी सपोर्ट ये है कि मेरे हस्बैंड की मेरी बड़ी सपोर्ट है कि हाँ, हम वो मुझे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट एक अपने पैसों से एक अपनी चीज़ लेने का ना वो मज़ा ही और है। कि वही मैंने तुमसे बात करी थी कि जब टारगेट कर लेती हूँ ना कि हाँ ये लेना है, ये जमा करना है, तो वो मुझे थोड़ा सपोर्ट ये होता है कि अच्छा बाकी काम मेरे मियाँ देख लेगा या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो फिर वो मुझे एक तसल्ली हो जाती है कि मुझे और खर्चों की टेंशन नहीं है, तो मैंने अपना सेविंग करके मुझे ये चीज़ अपनी करनी है। जैसे मुझे वीगो लेनी है। वीगो से ज़्यादा उन गार्ड्स का खर्चा, उसका खर्चा नहीं होगा जितना गार्ड का होगा। मैंने अपने पल्ले से जमा करके मैंने वो लेनी है गाड़ी, तो हमारे शो पे आएंगी फिर ये मिशन गार्ड्स के साथ, एक को इधर खड़ा करूंगी, एक को उधर खड़ा करूंगी। वो तो बस हमारी छोटी छोटी खुशियां हमारी ये।
तो बस मुझे बड़ा उस दिन मैं बड़ा प्राउड फील कर रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगता है। आप पता है एक बात बताऊं, मुझे लगता है जिंदगी का मजा ही ये है जहां आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़े थोड़ा। जब बहुत इजी हो जाती है ना जिंदगी उसका मजा तभी तो डिप्रेशन होता है फिर। आई थिंक अब हम क्या करें, मुझे काम बताओ मैं क्या ना हुआ मैं किसको कहूं। जिंदगी योर लाइफ विल लूज इट्स चार्म इफ एवरीथिंग कम्स इजी। प्यारी बात मैं किसी की सुन रही थी, मैं कही थी मतलब लाइक कोई कह रहा था गरीबों को जो बेचारे जो कमाते हैं और वो जो खाते हैं उनमें इतना डिप्रेशन नहीं होता क्यों। एक जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ज्यादा आपको एक सर्टेन क्लास में देखने को मिलती है, क्या वजूहत है क्यों आपने ये बैग लिया, ये डिप्रेस होने के लिए उसमें फंसे हैं। नो वहां से निकल ही नहीं रहे उन चीजों से। और जो गरीब है ना वो हार्ड वर्किंग जो लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है डिप्रेस होने का। वो डेली बेसिस पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि आज का दिन गुजर गया अब कल के दिन का सोचना है। कहाँ टाइम मिलेगा उन्हें डिप्रेशन का, दे डोंट हैव द टाइम और द स्ट्रेंथ। घर जाते हैं थके हुए होते हैं और वो थकावट की जो नींद होती है वो अलग ही। अच्छा मैं वैसे बताऊँ ये अब मुझे ऐसा लगता है अब ज्यादा चीजें यूज हो गई है डिप्रेशन एंजाइटी फलाना ढिमकाना अब रिकॉग्नाइज हो गई होती है पहले भी होंगी ना यही पता नहीं होता था कि पागल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम सब बैठकर अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर जो हमने कर लिए ऑलरेडी और आई डोंट नो आगे चल के और ज़िंदगी में फिर और पता चलेगा कि अच्छा ये भी तो हमारी स्ट्रेंथ थी। कभी कभार हम स्ट्रेंथ को जब छोड़ने लगते हैं ना तो फिर हमारे जहन में आती है कि यार जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ी सी बुजदिल होती जा रही हूँ। पहले मैं थोड़ी बहादुर थी कुछ चीज़ों में। ये तो होता है ये सब चीज़ें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले बहुत रोलर कोस्टर्स और उसमें बैठ जाती थी वो तो सबके साथ एडवेंचर कर लेती थी लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मुझे थोड़ी डरपोक होती है। मैं भी सेम तो मैं ना ये होता है तो मैं यकीन करो मैं गाड़ी इतनी तेज चलाती थी पहले इतनी तेज कि शारह फैसल पे मेरे मियाँ की मेरी रेस लगती थी कि कौन जीतेगा। ठीक है हम लोग रेस लगाते तब शारह फैसल में इतना ट्रैफिक नहीं होता था और हम रेस लगाते थे। अब है ना मेरा मियाँ कहता है तुम्हें क्या हो तुम मर्दों की तरह गाड़ी चलाती थी तुम्हें अब क्या हो गया तुम गाड़ी कैसे चलाती हो। वो पता नहीं क्यों एक मेरा दिल कमजोर हो गया है। ये अब तुम बताओ क्या वजह है। आई विल टेल यू व्हाई। जब आप यंग होते हैं आप एडवेंचरस होते हैं आपको लाइफ की इतनी अहमियत वैल्यू असल में पता नहीं चली होती है तो यू ऑल अबाउट हैविंग फन एंड एंजॉयिंग इट एंड बीइंग अ डेयरडेविल। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना स्पेशली जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपको एहसास होना शुरू होता है कि आपकी जिंदगी कितनी इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल द अदर्स दैट सराउंड यू। तो आपको लाइफ पे बलाज के पैदा होने के बाद ज्यादा टुमॉरो हुई मैं डरपोक हो गई। मैंने कहा मैं तो ऐसी नहीं थी मैं तो इतनी एडवेंचरस थी और ये भी कर लेती थी। औलाद के बाद उसके बाद जिंदगी औलाद के बाद आप बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्यों हो जाते आपको अपनी जिंदगी की अहमियत का पता चल जाता है कि कितनी अहम है आपकी जिंदगी नॉट फॉर योरसेल्फ बट फॉर दोज दैट नीड यू। उस वजह से आपका वो जो पहले आप टीनेज में होता आप अपना ख्याल भी नहीं रखते ना वाइटमिंस ले रहे हो ना कोई चीज ले रहे हो ना दूध पी रहे हो ना कुछ जंक खा रहे हो और उसके बाद आपको जब पता चलता है बच्चे पैदा करते हो फिर पता चलता है घुटनों में हड्डियों में फिर आप अपना ख्याल रख रहे हो। तो अच्छा मेरी एक और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है माशाल्लाह अल्लाह में अब हमेशा ऐसे ही रखें क्योंकि मैं कल अपनी किसी कजन से मिली थी अपने सजा के दूंगी। मैं ना गम नहीं पालती। मैं कुछ लोग होते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में अल्लाह में अब बस ऐसे ही रखे मुझे स्ट्रेस आ गया ना कुछ छोटी मोटी भी चीज़ का अब वो स्ट्रेस में उनके दिन गुजर गए उनकी भूख मर गई प्यास मर गई टेंशन ब्लड प्रेशर शुगर हाई। मैं किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। मैं बहुत जल्दी स्नैप आउट में तारीफ बटोरती हो तुम इस चीज़ में सब लोग कहते हैं कि थोड़ी सी खिसकी भी है। नहीं वैसे मुश्किल है ये काम है जब इतना ज्यादा कोई जो तुम कह रही हो ना कि तुम्हें नहीं होता बट ये मगर हम अपनी आदत कम करते हैं बट होता है मेरी भूख मर जाती है स्ट्रेस में मुझे भूख नहीं लगती मुझे एंजाइटी होने शुरू हो जाती है मगर ये जो तुम कह रही हो पैनिक अटैक होते हैं मुझे तो माइग्रेन होता है। अच्छा मुझे तो ये कैसे करती मुझे ये बताओ। मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि तुम इस कोई भी स्ट्रेस वाली चीज है वो तुम नहीं करती या तो इतने दर्द बर्दाश्त कर चुकी है। मैं आपको बता रही हूँ यही दर्द नहीं होता। एक मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम आया था जिसमें मैं इतने स्ट्रेस से गुजरी हूँ
कि वो अब मैं यू नो व्हेन आई गो बैक एंड आई लुक एट माय पिक्चर्स मैं वो इंसान ही डिफरेंट लगती थी, वो मेरी शक्ल ही अजीब सी थी, मेरी शक्ल पे नजर आता था कि एक हक्का बक्का इंसान जैसे कहते हैं ना कि एक उड़ी हुई शक्ल पहले होता था पहले एक जमाने में ऐसे टाइम पे गुजरी ओके ओके फिर मैंने अपने आप को अपने दिल को सख्त किया आपको ना जब स्पेशली व्हेन यू आर ऑन योर ओन एंड यू आर सिंगल आपको सख्त जान बनना पड़ता है सही यू कांट लेट स्मॉल थिंग्स गेट टू यू क्योंकि ये फिर दुनिया आपको क्रश कर देती है क्रश कर देती है तो आपको अपने आप को सख्त करना पड़ता है छोटी मोटी लोगों की बातें आसपास के जो लोग आपके लिए बात कर रहे हैं इसने ये कह दिया उसने ये कह दिया मेरी अम्मा ऐसी है गम लेके बैठ जाती है बस दिन हफ्तों तक उसमें है डिप्रेशन में कि उसने ये बात कह दी या फिर मेरी बेटी के लिए ये बात निकली या मेरे लिए मैंने सोचा नहीं दुनिया वालों को आप जितना लीवे देंगे ना वो उतना फैलेंगे आप सबसे बड़ी अपनी बात। अपनी स्पेस को रिक्लेम करें यू शुडंट केयर कोई जो कह रहा है कहते रहे उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता आप वो बनी जाएंगे आप जानते हैं आप कैसे हैं और आपका अल्लाह जानता है दो चीजें एक ना दो लोग क्या कहेंगे फर्क नहीं पड़ता जैसे वो नहीं फर्क पड़ना चाहिए लोग क्या कहेंगे किसी चीज का स्ट्रेस किसी चीज का कि यार कोई आ गई ये स्ट्रेस टेंशन वाली बात या कुछ होगी तो वो तो आपको स्ट्रेस होता है ना एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि यार ये इतना बड़ा मरहला है इसको कैसे तय करना है उसमें भी वो उसकी मैं बात कर रही हूं कि वो कैसे सबर करें अपने अंदर के एंजाइटी ना हो इससे मैं बहुत गुजरी हूं ऐसा भी मेरे पर फेज आया 2-3 साल मेरी लाइफ के बड़े टफ थे लेकिन उसमें यही वाली बात कि अगर मैं उसको हावी होने देती तो मैं उससे निकल नहीं पाती मैंने अपने आप को सख्त किया आई केप्ट टेलिंग माय सेल्फ मैं अपनी बैठ के काउंसलिंग करती थी मैं शीशे के सामने बैठ के अपनी काउंसलिंग करती थी अक्सर मेरी अम्मी देखती थी कहती थी क्या हो गया पागल हो गई है बट आई यूज्ड टू सिट एंड आई यूज्ड टू टॉक टू माय सेल्फ एंड आई यूज्ड टू टेल माय सेल्फ कि नहीं दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ दिस इज नॉट गोइंग टू किल यू एंड व्हाट डज नॉट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर बच्ची ने मेहनत करी अपने ऊपर मैंने अपने आप को आपको पता है निधा मैं इतनी शाय होती थी कि अगर मैं मुझे कपड़ा लेने भी जाना होता था ना तो मैं अपनी अम्मी को या किसी को साथ लेके जाती थी क्योंकि मुझसे वहाँ पे बात नहीं होती थी कपड़े की तो फॉर मी टू बिकम एन एक्टर वाज सो डिफिकल्ट कि मैं सेट पे खड़ी हूँ आपको पता है 30 लोग खड़े हुए आपको सिर्फ देख रहे होते हैं और मैं बहुत एक सेल्फ कॉन्शियस इंसान थी आज तक मेरे लिए वो बहुत मुश्किल काम है कि मैं खड़े होकर एक्ट कर रही होती हूँ 30 लोग मुझे देख रहे होते हैं बट इट डजंट शो ऑन माई फेस जब मैं लोगों को बताती हूँ लोगों को यकीन नहीं आता क्योंकि आई हैड टू वर्क ऑन माई सेल्फ आई सेड नहीं मैं अगर कमज़ोर पड़ गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी जिंदगी में आई हैड टू बिकम रियली रियली स्ट्रांग बहुत सी चीज़ों में मैंने अपना दिल सख्त किया बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो कि बहुत सोल क्रशिंग थी लेकिन मैंने आपको बोला कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता जो चीज आपको जान से नहीं मारती ना जो चीज आपकी जान नहीं ले रही वो बस फिर उसमें से आपने निकलना आप और निकल जाएंगे एंड इट रियली डज वर्क आप अपनी काउंसलिंग करें इट वर्क्स ये सही है भाई मजेदार मैं मतलब मुझे तो है कि आज मैं इससे कोई क्लासेस वगैरह ले लूं मैं भी कभी पूछ रही थी कमी बेशी रह गई मेजॉरिटी लोगों को होता है कि आपको कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में ऐसी कुछ भी हो जाए कि आप कहते हैं यार कैसे होगा कैसे ये चीज निकलेगी यू नो चलिए हमने बहुत भारी भारी और बड़ी बड़ी बातें कर ली अब हम आते हैं छोटी मोटी तारीफों फिर आ जाए तारीफों तो अब नेक्स्ट पिक्चर दिखाने से पहले लाइक मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ खाना वाना पकाना जिंदगी में आएगा और वो मुझे नहीं पता था कि वो मेरी स्ट्रेंथ होगी कभी जिंदगी सो जब मैंने मेरे ऊपर पड़ी और मुझे पकाना पड़ा तो पता चला मतलब मुझे खुद पता चला कि ओ मेरे हाथ में तो जायका है मैं तो अच्छा पका लेती हूँ ओहो गुड है ये तो अच्छी बात है और जब तारीफें आपको स्पेशली एक ऐसा इंसान जिसको खाने का बहुत शौक है तो वो उस तारीफें करना शुरू की तो एक थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा फख्र हुआ कि शुक्र है भाई हाथ में जायका है बन हालांकि अब मैं इतना नहीं कुक करती लेकिन जब भी कुक करती हूँ तो तारीफें बटोरती हूँ तो ये मुझे पता है कि जब भी मैं खड़ी होंगी किचन में कुछ पकाने के लिए और वो दिल से पकाऊंगी तो अच्छा ही बनेगा चाहे वो बेकिंग हो या कुकिंग हो अच्छा खाने की शौकीन है आप आर यू अ फूडी नो आई एम नॉट दैट्स व्हाई मैं अगर पकाती हूँ तो अपने बच्चे या अपने मियाँ के लिए पकाती हूँ किसी और के लिए पकाती हूँ अच्छा मेरे साथ यही है मैं बिल्कुल फूडी नहीं हूँ बट मैं मेहमानों के लिए या अपने मियाँ के लिए बच्चे के लिए जब किचन में घुस तारीफ वसूल करने के लिए तारीफ की लालच में मैं पकाती हूँ एग्जैक्टली सब कुछ इतना महंगा हो गया अब अफोर्ड नहीं होता क्या क्या लोगों की तारीफ के लिए पका पका के छुट्टी में मैंने उसे पका के खिलाया वो तो इतने मस्के मारता है मम्मा क्यूट आप जैसा नहीं कोई पका सकता मैंने कहा बस कर दो माँ की ममता के हाथ ये है
जी अब दिखाइए आप पिक्चर। अच्छा ये आपका टमाटर की चटनी की तारीफ। यस ये मेरी बड़ी पॉपुलर लग रही है। यस ये मेरी बहुत पॉपुलर है, हालांकि बहुत इजी है। अच्छा तो मैं सेट पे मैं अपना खाना साथ लेके जाती हूँ ना मेरे घर में जो भी बना हुआ होता है। सालसा टाइप होती है, कैसी होती है ये? लग तो ऐसी ही है। हाँ कुछ इसी टाइप की होती है, बड़ी मजबूत बना के दूंगी और बहुत हार्डली 5 मिनट में बन जाती। मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती थी लहसुन की चटनी, जिसमें लहसुन पराठा होता था उसका बेसन का। इसके साथ भी पराठे के साथ आप खाएं, पुलाव के साथ खाएं, जिसके साथ। और मेरी सास की थी कैरी की चटनी। मुझे भी भूख लग रही है बहुत ज्यादा। ये हमने एकदम से ना कि इन्होंने बात ही तुमने बेसन की रोटी पराठा में चटनी। मेरी अम्मी घर में अचार डालती थी और उनके पूरे और अचार डालती थी, फिर उनको कहा जाता था बर्नी बना के भेजो। तो मैं भी यही करती हूँ। हाँ हर एक की फरमाइश होती है आज आप हमारे लिए पूरी बॉटल बना के लाएंगे। उसमें कहीं मैं छूट थी तो मैंने कहा देखो टमाटर बहुत महंगे हुए हैं, प्लीज अभी 1-2 हफ्ते रुक जाओ मैं फिर बहुत महंगे हुए तो खैर मैं दे देती हूँ बना के। तो ये कितने दिन चलती है टमाटर की चटनी? डिपेंड 15-20 डेज फ्रिज में। फ्रिज में फ्रिज में बस शर्मीन की रेसिपी के खावसे मैंने बनाए और मैंने भी तारीफ वसूल की इसने मुझे रेसिपी। और आप लोगों को भी यहाँ पे बहुत अच्छे लगे थे जब मैंने बहुत अच्छे थे और बहुत सिंपल। हाँ इतनी सिंपल रेसिपी और लेकिन इसके साथ एक और पिक्चर आई थी निहारी। निहारी निहारी जो हमारे घर की है वो ऑनेस्टली इतनी अच्छी होती है। आई मुझे खानी है। आर यू अ निहारी पर्सन? नहीं है लेकिन मैं चखना चाहती हूं। मैं किसी को ऐसे को अच्छा नेक्स्ट टाइम आई कम आई ब्रिंग अ बॉक्स फॉर यू। मैं किसी ऐसे को नहीं जानती जिसने ये निहारी खाई हो तारीफ ना की हो। और ये निहारी 22-23 घंटे में पकती है। चिकन गोश्त किस चीज की? चिकन की नहारी नहीं होती। हाँ, बीफ की होती है। बीफ बोंग और वो भी स्पेशल बोंग दस्ती का जो कि आप तोड़े तो वो डिसॉल्व हो जाए। बेसिकली पंजाबी है। पंजाब में बोंग डालते यहाँ पर नहीं लोग डालते। दिल्ली वाला यूज बोंग। दिल्ली की नहारी मैंने नहीं देखा। नहीं नहीं यहाँ डालते हैं नहारी। नो दिल्ली की जो नहारी है वो बनती बोंग के रेशा तो डलते ही नहीं है। रेशा तो लोग थोड़ा सा वो क्योंकि अफोर्डेबल हो जाता है। बोंग थोड़ी महंगी पड़ती है क्योंकि वो छोटी होती है और बहुत कम क्वांटिटी में होती है लेकिन नहारी बोंग की बनती है। और ये 22 ये किस में हांडी मिट्टी की हांडी नहीं हम प्रॉपर वो देग वाली नहारी बनती है और 22-23 घंटे में पकती है और वो इस तरह की होती है कि उसमें हाथ भी आपके चिपक रहे होते हैं और उसमें नली भी होती है। कब बुला रही हूँ खिलाने के लिए? मगर मैं तो बीफ नहीं खा रही हूँ। मसला ये मुंह में पानी आ रहा है। इसके लिए 22 घंटे नॉन स्टॉप गैस चाहिए जो कि आ नहीं रही। अरे सारा मसला ये क्योंकि आप उसका रख रख के नहीं पका सकते। पका सकते एक दिन 10 घंटे एक दिन यूज कर लेते हैं। वो पतीला इतना गर्म होता है उसको ठंडा करो फिर फ्रिज में रखो फिर बाहर निकालो फिर पकाओ 4 दिन लग जाएंगे उसको पकने में क्योंकि वो पतीला इतने बड़े क्वांटिटी में बनती है। आपका जायका खत्म हो जाता है। आपका वो जायका खत्म हो जाता है। लेकिन वो गैस का चूल्हा ले जो यार मैंने एक ये चीज की मैंने सिलेंडर अब तक घर में नहीं लगाया। मुझे बड़ा डर लगता है बिकॉज मैं घर पे नहीं होती मेरी बेटी होती है और मुझे ना ये वहम आते रहते हैं कि कहीं वैसे तो मैंने रखे थे मैंने सिलेंडर रखे थे चूल्हा भी उसके ऊपर था छोटे छोटे चार चार। आप लोग घर में रहते हो घर में एक डर्टी किचन होता है दूर होता है। मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती हूँ किचन के साथ ही हमारे कमरे तो ये एक मेरा फियर है जिसकी वजह से मैंने आज तक सिलेंडर नहीं। गैस का तो चले भाई नेक्स्ट दिखाएं हम कहीं से कहीं निकल जाते हैं। प्रॉन मसाला ये क्या है? प्रॉन मसाला। ओहो रबाब क्या है ये? प्रॉन मसाला मजे का लग रहा है। ये बिरयानी मैंने बनाई है ये कीमा शिमला मिर्च है और ये प्रॉन मसाला है। तारीफ वसूल करती हैं। मैं हमेशा खाना दावत का मेरे घर का हो मैं खुद बनाऊंगी। दावत में बाहर का खाना नहीं आता। लोग फरमाइश करके आते हैं घर में कि अब हमें तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। जवेरिया ने मेरे हाथ का खाना खाया हुआ है। काफी लोगों ने खाया हुआ है मेरे हाथ। और आपने कुकिंग स्टार्ट की शादी के बाद? शादी के बाद सीखी मैंने अपनी मदर इन लॉ के थी। ओके मगर मेरे मदर इन लॉ अल्लाह बख्शे उन्हें वो कहती थी कि यार ये तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है। वो मुझे फरमाइश करती थी कि बिरयानी बना दो बिरयानी खिलाओ जबकि मैंने उनसे सीखी थी। वो कहती थी नहीं ये तो कुछ लोगों के हाथ में मजा होता है। सोचो और मेरा कोई शौक नहीं था कि मुझे खाना पकाने का शौक है बट बनाना था। जाहिर सी बात एक जिम्मेदारी थी और ऐसी बड़ी जिम्मेदारी कि वो बदल गई इस तरीके से। अच्छा और लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि वो मैं फंस जाती हूँ तो मैं अभी भी आते हैं यार आपका। और मैं मटन नहीं खाती तुम सोचो मैं चखती भी नहीं हूँ ना मैं बीफ खाती हूँ। रियली और मेरा मटन स्टू
लोग अल्लाह नाइस। और मैं चखती भी नहीं हूँ, कहते ना कि चखना क्योंकि मैं अंदाजा कैसे होगा फिर बगैर चखे। और मैंने कभी भी चम्मच से मसाले नहीं डाले, हाथ से डालती हूँ। यार ये किसी के पोर्स में होता है टेस्ट में। मैं मसाले ना, मुझे कोई पूछता है ना, मैं कहती हूँ यार ये तुमने एक सवाल मुझसे मुश्किल पूछ लिया है कि कितने चम्मच। मैंने बोला मैंने चम्मच से कभी वो नहीं डाले मसाले, नहीं डाले कभी, मुझे वो आइडिया नहीं है। जुबैदा आपा याद आ गई, कच्ची लगा दो क्योंकि मैं सब्जियां बहुत खाती हूँ। तो जब मैं सेट पे लेके जाती हूँ, शूट पे लेके जाती हूँ, घर में भी इवन मेरा आजकल मेरा मियाँ तबाह की सब्जी खा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि गोश्त नहीं ज्यादा खाना है, तो वेजिटेबल पे आ गया। तो ये सुबह पका के आती है। अच्छा पता है सब्जी बनाना बड़ा मुश्किल काम है, हर कोई नहीं बना सकता। बहुत ईजी है, ऐसे ऐसे मैं तो बना लेती हूँ। मुझसे पहले जो मेरे सेट पे सब एक्टर्स बैठे वो तैयार होते हैं कि आज कौन सी सब्जी या कुछ आया तो हम पहले खाते फिर आपको बताते हैं। पता है सब्जी बनाना एक आर्ट है, बिल्कुल ऐसा ही गोश्त बन जाएगा सब बन जाएगा, लेकिन सब्जी जिसने अच्छी बना ली ना वो जीत गया। अच्छा, सब्जी में ना बहुत सारे मसाले नहीं डालती हूँ और पानी भी नहीं डालती हूँ। नो है ना, पानी भी नहीं डालती हूँ। गुना है सब्जी में पानी, मैं तो टमाटर भी कम डालती हूँ सब्जी में। और मैं आपको ना कि मैं बात कर रही हूँ मुझे मैं भूल जाऊंगी, गोश्त भी ना लोग ना खाना कुकर में बनाते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि कुकर में फौरन गलाते हैं बीफ भी मटन भी। मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारे जैसा नहीं बनता है स्टू, तुम रेसिपी बताते भी हो क्योंकि वो कुकर में बना रहे होते हैं। मैं हंडी पे चढ़ाती हूँ, वो पकने देती हूँ उसको, पकने उसका वो जितनी आप बुनाई करेंगे ना खाने की और जितना आप पकने देंगे गोश्त को उतनी लज्जत आएगी। पाँच मिनट में सीटी मारी प्रेशर खाना बन गया। मेरे घर में प्रेशर कुकर नहीं है। अच्छा मैं भी नहीं बनाती, मैं भी प्रेशर कुकर में प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनाती हूं। मैं तो मैं आप चले के गई हूं बच्चों के लिए प्रेशर कुकर, वहां का गोश्त दाल गलती नहीं है। जी भी शक्ल बनी हुई होती, दाल अलग पानी अलग, तो वहां होते ना इलेक्ट्रिक के चूल्हे। वो कहता अम्मा वहां से मिल जाता है स्टीमर ये वो, मुझे नहीं समझ आती तुम्हारे, मुझे जब तक आवाज ना आए ना मुझे मजा ही नहीं आया। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, मुझे आवाज आ गई है ब्रेक की। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स फिर से गिनेंगे जिस पे इनको लोगों की तारीफ वसूल हुई। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि कौन किस ज़माने में किस चीज़ की अपनी कौन कोई ऐसी स्ट्रेंथ हो जिसके ऊपर उसने तारीफ वसूल की हो। आपकी स्ट्रेंथ ना चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, पहले किसी और बात पे तारीफ होती थी। टीनेज में अगर आप कद निकाल रही होती है तो कजन्स के मुकाबले में यार क्या कद निकाल रही है, अरे भाई ये तो बड़ी एक्टिव है, अलग अलग तारीफ होती थी जो आपको दो लोग देख कर कहते थे। फिर आप उसके बाद अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते थे तो आपकी तारीफ वो बन जाती थी कि कितने इसके डिसिप्लिन बच्चे हैं, कितने अच्छे इसने बच्चे पाले। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही होती है या आपके डिफरेंट फेजेस आते हैं, देखो कितनी समझदार है, इस उसमें गुजारा कर लिया, घर भी बना लिया, कितनी सलीका शार है, खाना कितने अच्छे बनाती है, सास इसकी कितनी तारीफ। लाइक अगर आप औरत की देखें, चाहे उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, तारीफों की जो पुल हैं जो लोग बांध रहे होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। मगर इधर लोग ये भी समझते हैं हमारी फील्ड में रहते हुए कि हमें कुछ नहीं शायद आता, हम लोग ये भी सोचते हैं। अभी शायद लोग देख रहे होंगे, हैरान भी हो रहे होंगे कि हम खाना भी बनाते हैं। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं जिस पर हमने साबित किया है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने आके पकाया है, समझाया है, बताया है। सो मैं आप लोगों को बुला के क्यों मशवरे दिलवाती हूँ लोगों से, उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि ये घरेलू भी हैं और ये प्रोफेशनल भी हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत कम होता है जो आपको लोगों में नज़र आती हैं। बहुत सारी करियर और ओरिएंटेड ख़वातीन होती हैं जो फोकस करियर का ही उनका होता है, वो नहीं घर पे तवज्जो देती, बिल्कुल भी नहीं देती। उम्र पे गई थी तो कोई फैमिली मुझे मिली तो मुझे इतना बुरा लगा, उनके यार ये किस टाइप के लोग हैं। तो मैं शायद नमाज पढ़ी, हाँ उम्र आप भी उम्र करने आई हुई है ना, मेरे दिल तो किया कि उसको करारा जवाब दूँ।
लेकिन मैंने कहा हाँ सामने खाना काबा है, मैं नहीं कुछ एक आध दफा कोई कह देता है ऐसे और कुछ इतने ये ऐसे जुमले होते हैं, आपको क्या पता अल्लाह को क्या पसंद है अल्लाह को ना नहीं आपको पता है। जब मैं उम्रे पे गई थी मैंने अपनी कोई पिक्चर नहीं लगाई उम्रे की, क्योंकि मुझे पता था आगे से लोगों ने ये कहना है कि वो या तो एक्टिंग करती हैं, अब उम्रे पे चली गई उम्रे से आके फिर एक्टिंग कर रही हैं, भाई वो मेरा मेरे अल्लाह का मामला है। मजबूरी पे औरत घर से निकलती है काम करने के लिए तो कोई ना कोई वजह होती है। मैंने तो मजबूरी लगाई थी ना क्योंकि मैं मुझे कॉलें आ रही थी बार बार तो डेट का ये तो अब मैं सबको अच्छा, बोल बोल के थक गई। अच्छा, इससे बेहतर है कि ये मुझे बार बार कॉलें करें, उनका लगा दो स्टेटस। बहुत लोग जज करते हैं आपके शो के क्लिप्स के नीचे, इतनी दफा जैसे आपने कहा कि आप बुलाती हैं हम टिप्स देते हैं तो नीचे लिखा हुआ होता है झूठ, शर्मीन अली झूठ बोल रही है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, नहीं यकीन करते लोग। हमने इतनी स्क्रिप्ट बना के हम लोग बैठे हुए कहाँ से कहाँ बात हो रही है ना हमारी, हमारा टॉपिक अलग होता है, हम कोई और बात करते हैं, हम फिर कहीं उसकी टॉपिक पे आ जाते हैं। नेचुरल है हमारा अंदर से जो है वो ही है कि हम स्क्रिप्ट बना के थोड़ी बैठे हुए बातें। मैं तो ट्रोल प्रूफ हो चुकी हूँ इसलिए आप मुझसे ये बातें ना करें, मैं तो प्रूफ हो चुकी हूँ। सख्त जान, दिल सख्त करना पड़ता है अपना, अगर आपने सर्वाइव करना है इस दुनिया में तो यू हैव टू बी थिक स्किन। आप देखे ना खाना काबा में खड़े होकर वो बंदा मुझे कह रहे आप नमाज पढ़ रही, आप भी हमने करने आई हम मुसलमान में। नेक्स्ट तारीफ पे चलो। हाय, ये मेरा पोलकी का नेकलेस, इट इज माय फेवरेट पीस, और ये मैंने बहुत मेहनत से पैसे सेव कर करके दो तीन कमेटियां डाली थी मैंने, और ये जो जयपुर के जो आते हैं नेकलेसेस बने हुए, तो मेरा इस पर दिल आया हुआ था। हालांकि मैं इस तरह की चीज़ों पे पैसे ज़्यादा नहीं स्पेंड करती, लेकिन कभी कभार आप थोड़ा सा स्प्लर्ज करते हैं। दिस इज़ बिफोर दैट फेज स्टार्टेड, जो मुश्किल वक्त था उससे पहले की है, तो उस वक्त होता है ना हर औरत अपनी सेविंग कर रही होती है, कमेटियाँ डाल रही होती है, तो ये मैंने दो तीन कमेटियाँ डाल के सेव किया था। मैं ये जब भी पहनती हूँ ना आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है असली पोलकी का, और लोगों को समझ में आता है देख के ना इसकी अलग रॉयल लुक है, तो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पीसेज। उन्होंने कहा ज्वेलरी में आपकी कोई चीज़ पसंद है तो दिस आई कीप इट विद मी। अच्छा, ये ऐसा है कि मैं बिल्कुल प्लेन कपड़े में भी पहन के चली जाऊँ, मैं शादी में चली जाऊँ आई लुक फैंसी इनफ, मैं काम वालों के साथ पहन लूँ आई लुक वेरी गुड, तो ये हर चीज साड़ी हो ईस्टर्न सबके साथ कुछ ऐसे आपके पीसेज होते हैं जो आपके वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों के साथ जाते हैं। बिल्कुल, आप कहीं भी पहन के किसी ओकेजन, तो ये एक ऐसा ज्वेलरी पीस है जो जब पहनती हूँ मुझे बहुत तारीफ। कभी कभी जिंदगी में आप लोगों के साथ ऐसा हुआ जिस चीज की बहुत तारीफ होती थी, चाहे वो आपका कोई फिजिकल फीचर हो, और लाइक होते ना कभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आंखों की तारीफ होती थी और मेरी आंखों में ही प्रॉब्लम रहती है, कभी लेंस से इन्फेक्शन हो जाती है, कभी लैशेस लगाती हूँ तो खराब हो जाती है, तो कभी कभार आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी चीज़ में आपकी महारत थी और वो चोरी हो गई या वो मतलब लाइक वो नहीं रही आपके पास, कुछ ऐसा कभी हुआ है? गाड़ी चोरी हुई थी, हमने हमारी पहली कार थी वो हमारी इलेक्शंस के दिन चल रहे थे, और वो हमारी हमने बड़ी मियाँ बीवी ने मेहनत से उस टाइम पे हमने मतलब इतना हमारे पास उस वक्त पैसे नहीं थे कि हमने बगैर एसी के लिए थी, हमने बोला कि अभी इतने नहीं हम एसी के बगैर वाली ले लेते, कोई बात नहीं, कोरे ली थी, ब्रांड न्यू ली, ब्रांड न्यू, हाँ ब्रांड न्यू, और वो चोरी हो गई। ये बड़ा तो वो बड़े तकलीफ था हमारे लिए, हम एक साल बगैर गाड़ी के रहे और वो मिली वापस कभी नहीं, कभी नहीं मिली। वो बड़ी बिग कार में चली जाती ना, बिग कार, मेरा बच्चा कहता अम्मा बिग कार। हमने ट्रैवल किया ऐसे कि हम लोगों ने ऑटो में, हमने बस में, और हमने टफ टाइम देखा एक साल हमने। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे कोई बात नहीं, मुझे वो होता है और अल्लाह ने हमारे वही सब्र, और उसके बाद अल्लाह ने हमें नवाजा। अच्छा, वैसे मैं इस चीज़ में बहुत पर्टिकुलर हूँ, मैं कभी भी अपनी अर्निंग्स को ना डिस्कस करती हूँ ना मैं किसी को बताती हूँ, क्योंकि फाइनेंसेस आपके सिर्फ आपकी हद तक आपको पता होने चाहिए, दूसरे इंसान को नहीं पता होना चाहिए कि आप क्या कमा रहे हैं, आपकी क्या सैलरी है, आप कितना काम कर रहे हैं। अगर मैं समझे, अगर मैं 10 रुपए कमा रही हूँ ना, अगर कोई पूछेगा तो मैं 2 रुपए बताऊँ, क्योंकि आप लोगों की नजरों में आते हो और ये सुन्नत है। हाँ, आपकी कमाई आप किसी से ना डिस्कस करें, अपने फाइनेंसेस को बिल्कुल एक सीक्रेट रखें, अपनी जॉब को, क्योंकि मुझे वहाँ पे जैसे आपने कहा ना कि नजर तो आई डोंट नो, लेकिन आप टोक लग जाती है इस तरह से, नजर तो बना के लेकिन टोक भी लग जाती है, तो इसलिए मैं कभी भी डिस्कस नहीं करती। बल्कि मेरी जिंदगी में कोई भी चीज अच्छी हो रही हो तब तक के जब तक के वो पूरी 100% हो ना जाए, लोगों को नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रही हूँ, किस चीज़ की प्लानिंग कर रही हूँ। आई कीप माई प्लान्स टू माई सेल्फ ऑलवेज, मैं कभी भी पहले डिस्क्लोज नहीं करती। ये सबको यही प्रैक्टिस करनी चाहिए आजकल का समय, वेरी पर्टिकुलर, ये बहुत समझदारी है ना। नेक्स्ट भाई, किसकी पिक्चर है?
रबाब तुम्हारी साड़ी, नीली साड़ी वाली जरा नाम तो बता। साड़ी में हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मुझे ज्यादातर। हाँ। जब शोज भी करती थी तो सब कहते थे कि यार इसको दे दो ये कैरी अच्छा कर ले, टॉल हो ना, हाइट है, वैसे हाइट है, पतली है। मुझे मेरी सास ने साड़ी बांधना सिखाई है। अच्छा। मैं कभी भी साड़ी स्टिच करके नहीं पहनती हूं। अच्छा। मैं खुद प्लेट्स बना के और खुद पहनती हूँ, तो वो सब ये कहते थे कि इसको दे दो साड़ी ये, मतलब हर मॉडल घबराती थी कि ये कर लेगी जल्दी से पहन लेगी, इसको दे दो साड़ी ये कैरी कर लेगी। तो वो मुझे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे और ज़्यादातर लोग कहते हैं यार साड़ी तुम पे सूट करती है, तुम साड़ी पहना करो। हाँ, तो उसमें मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, तो ये चाहे ये, कोई भी साड़ी पहनो, कोई किसी तरह की भी, तो मुझे साड़ी दे दो और मैं उसको मुझे नहीं वो होता कि वो जो बेल्ट वाली करके हुक वाली उसकी वो लुक वो फॉल वो बनती ही नहीं है। और साड़ी आपको प्लीट बना के और जब आप पहनते हैं ना तो उसका एक अलग ही लुक है। तो वो मैंने अपनी मदर लॉ से सीखी थी। खुल जाएगी मुझे भी, मुझे तो फोबिया है, मैं ले नहीं सकती। मैं मेरे साथ हो चुका है ना, नहीं अंदर आप नहीं मैं बताऊं तरीका होता है ना इसका, कि अगर आप अंदर सेफ्टी पिन लगा लेंगे, वही लगा हुआ था, बहन पेट से अटक के खुल गई, तो इसलिए सेफ्टी पिन भी खुल जाती है कभी कभार, दे आर नॉट फुल प्रूफ, एक डर और एक खौफ बैठ जाता है ना, तो इसलिए मैं तो खुल मतलब लाइक बगैर से ली हुई साड़ी मैं सोच भी नहीं सकती। सेम, और वो बस शायद मुझे वो मैं किक करके चलना और वो रैंप पे और वो एक आदत ऐसी बन गई थी कि वो आपको कैसे करना है। मेरी अम्मी ने सारी उम्र साड़ियां पहनी और वही खुली हुई बांधती थी, इतनी अच्छी साड़ी बांधती थी, लेकिन मुझे फोबिया है। अच्छा। मैं डर बहुत डर गई, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। तो इसलिए मुझे उसमें कॉम्प्लीमेंट ज्यादा। कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट तारीफ किसकी है? शर्मीन तुम्हारी क्या है? ये मैं आपके शो पे डिस्कस कर चुकी हूँ। ये हुआ ये था कि मैंने ये टेबल का सेट देखा था जब मैं अपने घर में मूव इन हुई थी, और ये सेट था 25,000 रुपए का, टेबल का ऊपर नीचे वाली जो होती है, और मैं तड़प रही थी कि मुझे लेनी है लेनी है लेनी है, बट गुंजाइश नहीं थी क्योंकि जब मैंने अपने घर में इन्वेस्ट किया तो उस वक्त लिटरली मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि नेक्स्ट महीने का मैं खर्चा चला सकूं, तो मैं कैसे स्प्लर्ज कर सकती। लेकिन ये भी दिल चाह रहा था कि अब ले लिया है तो डेकोरेट तो करना शुरू करूँ। तो मैं ये मैंने स्टोरी पहले आपके शो पर सुनाई हुई है, मैं गिजरी में गई और वहाँ पे जो वो रॉट आयरन वाले होते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग वाली जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे ग्रिल्स बन रही होती हैं, उधर मैं जाके बैठी, अगेन उनके सर पे बैठी, मैंने ये पिक्चर निकाली, मैंने कहा मुझे ये इस साइज की इस हाइट की, ये सिर्फ आपने चार रॉड्स इस टेबल पे चार रॉड्स आपने बनाने, उन्होंने बनाकर मुझे दिए। वो गोल्ड पेंट मेरे पास घर में पड़ा था, बैठ के मैंने उस पर पेंट किया। जो 25,000 का सेट था ये मुझे आई थिंक 3,000 रुपये का पड़ा। Wow. क्योंकि पेंट मैंने खुद किया, 3,000 रुपए का मैंने सेट। एआरवाई में मैं फाइनेंस में जॉब कर रही थी। नहीं मगर अब ये नहीं, तुम्हें सोच रही हूं लोहे वाला भी इतना, अब मेरे घर में लोहे का काम हुआ, तुम्हें लोहे वाला भी इतने में बना के नहीं देगा। ये मैंने 2020 में बनाया बस, फिर अब तो बहुत डिफरेंस आ गया। 25,000 की चीज मिल रही थी वो उसमें मुझे 3,500 रुपए की पड़ी थी, एंड आई फेल्ट एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैंने पता नहीं क्या मिशन जो है अकॉम्प्लिश कर लिया। टेबल तुम्हें वैसे ही 80,000 रुपए की कहीं पड़ी होगी तो मिलेगी तुम्हें ये, इतने ही महंगी भूल ही जाओ। 3,000 की नहीं तो आपको 7-8,000 मिल जाएगी। ये शमीन ही है, फिक्र नहीं करो, ये कोई जुगाड़ जुगाड़ निकाल लेगी। हाँ, इसके बाद होना चाहिए लड़कियों को, मैं कहती ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप ढेर सारे पैसे खर्च करो। मैं उनके सर पे बैठी गिजरी पे दुकान पे, मुझे कोई इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होती। अम्मी का फोन आया, घर आ जाओ वापस जाके ले जाओ, नहीं अम्मी कुछ नहीं। वैसे एक बात है, ठीक है होते होंगे इश्यूज, लेकिन यहाँ पे औरत जब अकेली निकली होती है ना, रिस्पेक्ट भी बहुत होती है, ख्याल भी बहुत रखते हैं, बाजी आप बैठ जाए, बाजी आपको कोई चीज चाहिए। मैं बहुत कंफर्टेबल थी, मुझे कोई किसी ने, हाँ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे औरतों के साथ गलत चीजें हो जाती हैं, लेकिन अमूमन हम आप बाहर जाए ना, कोई लेडीज फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे, देयर ऑल इक्वल। नहीं, ये बात वाकई कहने वाली है, यहाँ पे ये है कॉन्सेप्ट, हरास 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 की बात करते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में हरास होता है, पूरी दुनिया में हरास होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैं आपको पिछले हफ्ते की बात बता रही हूँ। मैं फेज टू से अपने ड्राइवर के साथ शूट पे गाड़ी में जा रही थी, तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी स्लो करो। एक बेचारी मासी जिसने चादर ली हुई है, ठीक है, वो किसी के घर काम करने जा रही, वो रोड पे चल रही थी, और जबकि वो रश वाला एरिया था, तो मोटरसाइकिल पे एक आदमी वो यूं आया और उसके साथ उसने स्लो कर ली गाड़ी। अच्छा, उसको पता नहीं कुछ ने कुछ बोला होगा कुछ भी। अच्छा, मैं इसमें थी, मैंने कहा अगर इसके साथ ये बदतमीजी और करेगा ना तो उसको मैं रख के चमाट लगाऊंगी। वो बंदा ने मोटरसाइकिल बंद की और उसके साथ साथ चल रहा था, उसको कुछ कह रहा था। ओह माय गॉड, बस हमारे यहाँ
बस कोई औरत की कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, हम अभी ये बात कर रहे हैं, ऐसा होता है, हैरासमेंट होती है, लेकिन इज्जत भी बहुत मिलती है। इज्जत भी नहीं, वो भी देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर औरत लाइन में खड़ी दी है ना, मर्द ये तो मर्द कह देगा आप चले जाओ, बाहर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बाहर सब इक्वल है। हाँ यार, वो तो हमारी, चलो जॉब भी है। चले, हम ये बातें बाद में करेंगे क्योंकि मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। एक अलग चैप्टर होगा। अभी तो बहुत पिक्चर्स बची हुई है हमारी। क्या अभी तो नेवर एंडिंग अपार्टमेंट की बची हुई है। क्या करें हम, सॉरी नेवर एंडिंग है हमारी बातें। सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिंदगी की। चले चले, नेक्स्ट टाइम हम फिर जा रही है, आप इधर ही हैं, अगले प्रोग्राम में रख लेंगे। बिल्कुल चल। चले जी, ये था एक ऐसा प्रोग्राम जिसके बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने आप को अभी तक नहीं पहचानी है कि ये है वो स्ट्रेंथ, अगर कोई और तारीफ नहीं करता तो शीशे में जाके खुद तारीफ करें, क्योंकि आप किसी से कम नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अप्रिसिएशन ज़िंदगी में नहीं मिलती, अगर आपका शुमार भी उनमें है तो अपने आप को खुद अप्रिशिएट करें और अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें। मैं सिर्फ आज आपको यही बताना चाह रही थी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।